श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ओम श्री महालक्ष्मये नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। दीपावली शुभ महोत्सव की आप सब भक्तों को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्तगण इस दीपावली महापर्व के निमित्त से लक्ष्मी पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, देश विदेश में बैठे हुए जो भी लाखों भक्त इस वीडियो पूजन का जो लाभ ले रहे हैं, श्री लक्ष्मी पूजन, गणपति पूजन, कुबेर पूजन आदि का आप सबको खूब खूब हार्दिक बधाइयां, खूब खूब शुभकामनाएं। सबसे पहले सारे विघ्नों को मिटाने वाले सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणपति को मन ही मन स्मरण करते हैं कि गणपति भगवान आप सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय और सारे विघ्न बाधाओं को मिटाने वाले हो। आपका स्मरण करके गुरुदेव की सेवा का ये जो पवित्र कार्य आरंभ कर रहे हैं, आप सारे विघ्न बाधाओं को हटा देना। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध हो, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो और गुरुदेव की शुभ प्रेरणा अनुसार जो ये हम लोग दीपावली महोत्सव के निमित्त से लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, हमारे घर परिवार में खूब सुख शांति बनी रहे, हमारा वर्ष भर खूब आनंद में निकले, हमारे घर में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे और आठों तरह की जो लक्ष्मियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है, धन रूपी लक्ष्मी, अन्न रूपी लक्ष्मी, स्वास्थ्य रूपी लक्ष्मी, भक्ति रूपी लक्ष्मी, इस तरह से जो आठ लक्ष्मियां बताई गई हैं वो हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में निरंतर स्थापित रहे। पूजन का आरंभन करें उससे पहले पूजन में जो उपयोग में आने वाली सामग्रियां हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं, आप लोग देख लें। कुमकुम, हल्दी, मिश्री, सुपारी, एक सिक्का कोई भी हो, एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, जैसा आपके पास हो, लाल धागा, कपूर, माचिस, अगरबत्ती, फूल और चावल, ये पंचामृत है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया हुआ पंचामृत, ये गुड़ का पानी है, पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के घोल दिया गया है, इससे अपन भगवान गणपति का अभिषेक करेंगे, ये साधारण जल है जिसके द्वारा सारी पूजा संपन्न होगी। शंख भी हमने रखा है, दीपावली के लक्ष्मी पूजन में शंख का विशेष महात्म्य है, अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसको भी आप पूजा में रख सकते हैं। घंटी है पूजा में समय समय पर उपयोग के लिए और ये पवित्र निवेद्य मिठाई पूजा में उपयोग के लिए रखी है। आप केवल मिश्री, शक्कर, चीनी, गुड़ आदि कोई भी वस्तु नैवेद्य के लिए रखकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अब अपन पूजा का आरंभन कर रहे हैं दीपक प्रज्वालन करके। यहाँ तो हमने आप सबकी तरफ से गुरुदेव के श्री चित्र के आगे दीपक प्रज्वलित कर दिया है, आप भी अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर देना। मैं मंत्र बोलता हूं इसके साथ, ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात शक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत दीपकम् प्रज्वाल्य। दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लेंगे
किसी भी पूजा में दीपक प्रज्वलित कर दिया अर्थात कार्य का शुभारंभ हो गया, ऐसा माना जाता है। शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया। पहले पुरुष लोग अपना तिलक करेंगे, मैं मंत्र बोलूंगा इसके साथ, और इसके बाद महिलाएं तिलक करेंगी। पुरुष लोग सब अपना तिलक करो, मैंने तो अपना तिलक लगा लिया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब जितनी महिलाएं बैठी है वो सब अपना अपना तिलक लगाएंगी। लगाओ अपना तिलक। ओम श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पारश्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यातम मम इष्टं निखाण मुम इखाण सर्वलोकम इखाण। महिलाओं ने सबने तिलक कर लिया होगा। अब आपको जो जल दिया है पूजा में उपयोग के लिए, साफ जल, बाएं हाथ से चम्मच पकड़नी है, लेफ्ट हैंड से डाबे हाथ से, और सीधे हाथ में, जमणे हाथ में, दाएं हाथ में पानी लेकर 3 आचमनी जल पानी पीना है आपको। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप भी बाएं हाथ से चम्मच में ये पानी लिया लोटे में से और सीधे हाथ में डालकर जमणे हाथ में 3 आचमनी। ओम केशवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम नारायणाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम माधवाय नमः स्वाहा पी जाओ। ओम गोविंदाय नमः हस्त प्रक्षालनम्। थोड़ा सा पानी लेकर अपनी बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में डाबी तरफ हाथ धोना है। ये शास्त्र का नियम है कि हमारे सामने सदा देवता उपस्थित रहते हैं, हमारी दाईं तरफ जमणी तरफ राइट साइड में सदा पितृगण उपस्थित रहते हैं, और हमारे पीछे सदा ऋषि मुनि उपस्थित रहते हैं। इसलिए कभी भी पूजा के समय भी, या तो सुबह दातून आदि करते हो, कुल्ला वगैरह करते समय भी पानी अगर डालना पड़े तो अपनी बाईं साइड में ही डालना चाहिए, ये खाली जगह है, ये शास्त्र का नियम है। अब आप सब अपने हाथ में लाल धागा बांधेंगे। पूजा में जितने पुरुष लोग बैठे हुए हैं वो ये रक्षा सूत्र अपने सीधे हाथ में, जमणे हाथ में बांधेंगे, दाएं हाथ में। जो शादीशुदा महिलाएं बैठी हैं, विवाहित महिलाएं, वो अपने बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में, डाबे हाथ में लाल धागा बांधेंगी। और जो कुंवारी कन्याएं बैठी हैं वो भी सीधे हाथ में, जमणे हाथ में, पुरुष और कुंवारी कन्या है वो सीधे हाथ में धागा बांधेंगी, और जितनी शादीशुदा महिलाएं बैठी है वो उल्टे हाथ में, डाबे हाथ में धागा बांधेंगी। आप लोग तो एक दूसरे से बंधवा लो, मैं तो यहां मेरे हाथ से बांध लेता हूं। ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां रक्ष बध्नामि रक्षे मा चल मा चल। आपस में एक दूसरे से रक्षा सूत्र बंधवा लेंगे। अब एक आचमनी जल चम्मच सीधे हाथ में पकड़ेंगे, जमणे हाथ में, दाएं हाथ में, और बाएं हाथ में थोड़ा पानी लेकर इससे पवित्रीकरण करना है अपने शरीर के ऊपर, और पूजा के सामान के ऊपर थोड़ा पानी छिड़केंगे। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष, ओम पुनात पुंडरीकाक्ष, ओम पुनात पुंडरीकाक्ष। अब जितने पुरुष लोग बैठे हैं पूजा में वो तो अपनी चोटी की गांठ लगाएंगे, और जितनी महिलाएं बैठी है, चाहे शादीशुदा महिलाएं हो चाहे कुंवारी कन्याएं हो, वो अपना सिर ढक लेंगी। हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि महिलाएं जब पूजा में बैठे तो अपना सिर अवश्य ढक लें। पुरुष लोग अपनी चोटी की गांठ लगाओ और महिलाएं अपने सिर को ढक लेंगी। ओम मानस्तो केतन ये मान आयु की मानो गोकु मानो शेखुरे रेख मानो वीरानुद्रभामिनो वधिर्हविकमंत सदमित्वा हवामहे। थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर लेकर बाईं तरफ फिर से एक बार हाथ धो लेंगे, बालों को हाथ लगाया पवित्रता के लिए। अब फूल की एक दो पंखुड़िया ले लेंगे, फूल की पंखुड़िया कुमकुम के अंदर डुबा देंगे, एक दो कण चावल के हाथ में ले लेंगे जमणे हाथ में, और पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे।
फूल की पंखुड़िया, जब भी मैं फूल लेने के लिए कहूँ कुमकुम में डुबा कर ही लेना, और चावल के एक दो कण। हाथ जोड़ के पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे, एक माँ जगदम्बा आपकी गोद में बैठकर हम सब आज जो दिवाली महोत्सव के निमित्त से लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, माँ जगदम्बा पृथ्वी माता आपकी कृपा आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। पृथ्वी सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है, जीवात्मा जन्म से लेकर मृत्यु तक पृथ्वी का उपयोग करता है, सब तरह के अच्छे बुरे शुभ अशुभ सब कर्म पृथ्वी पर करता है जीव, मल मूत्र आदि का त्याग भी पृथ्वी पर ही करता है, लेकिन पृथ्वी कभी भी नाराज नहीं होती। पृथ्वी माता सदा हमारे लिए सम और दयालु बनी रहती है। तो हे पृथ्वी माता, जैसे आपके अंदर ये सहनशीलता का दिव्य गुण है, माँ आपका आज पूजन कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमारे अंदर भी सहनशीलता प्रकट हो ऐसी कृपा करना। कैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं आए, सुख दुख आनंद कष्ट कैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन हम सदा समत्व में बने रहें। और गुरुदेव जिस समता का उपदेश हमें दे रहे हैं, जिस परम समता में गुरुदेव हमें जगाना चाहते हैं, उस तत्व में हम जल्दी जग जाए माँ, ऐसी कृपा करना। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुना दता त्वं च धारय माम देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। अब आप जो बैठे आसन के ऊपर, उस आसन को आगे से थोड़ा ऊंचा करके आसन के नीचे पुष्प आदि रख लेना अपने आसन के नीचे, और दोनों हाथ पृथ्वी को स्पर्श करके दोनों हाथ जोड़ के पृथ्वी माता को प्रणाम कर लेना। मेरे पीछे बोलेंगे ओम पम पृथिव्ये नमः, बोलो ओम पम पृथिव्ये नमः। पृथ्वी माता को नमस्कार हो गया। अब सब देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। हमारे सनातन धर्म में जो 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, आजानुदेव कर्मज देव, उन सब का आज आह्वान कर रहे हैं भगवान। ये दीपावली महोत्सव आनंद का दिवस है हमारे लिए, इस पवित्र पूजन में आप सबका आह्वान कर रहे हैं, आप पधारिए, हमारी खुशियों को बढ़ाइए भगवान, हमारा वर्ष भर आनंद में निकले, हमारे जीवन में खूब उन्नति हो, हमारे घर परिवार में खूब सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी आदि बढ़े, और लक्ष्मी भी ऐसी आए जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक हमारे घर में बनी रहे। भगवान आप सब ऐसी कृपा कीजिए। हाथ में फूल ले लेंगे, फूल को कुमकुम में डुबाकर ही लेना है, एक दो कण चावल के भी हाथ में ले लेंगे, सीधे हाथ में पकड़ लेंगे जमणे हाथ में, और डाबा हाथ ऐसे ऊपर ढक लेंगे, बायां हाथ आप लोग ढक के ही रखना, मैं तो पूजा कर रहा हूं, मेरे को कागज आदि को छूना पड़ता है, मैं हाथ खोलूंगा लेकिन आप लोग नहीं खोलना। सभी देवी देवताओं को आवाहन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक, आज आनंद का दिवस है भगवान, आप लोग मेरे पीछे नमः भी बोलते जाना, केवल नमः बोलना। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। कोई भी पूजा आरंभ करें उसमें नियम है कि गुरु की चार पीढ़ियों को याद किया जाता है, हमारे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव और उनके गुरुदेव, फिर पूरी गुरु परंपरा को नमस्कार किया जाता है। आप मेरे पीछे नमः बोलना, हम गुरुदेव को नमस्कार कर रहे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, अर्थात हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी के श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। गुरुदेव आज दीपावली के शुभ अवसर पर आपके श्री चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः, अर्थात हमारे गुरुदेव के गुरुदेव पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू के श्री चरणों में हम सबका प्रणाम है। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः, अर्थात लीलाशाह जी बापू के सदगुरुदेव स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज के श्री चरणों में भी हमारा प्रणाम है। ओम श्री परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः, अर्थात स्वामी केशवानंद जी के भी जो सदगुरु रहे हो उनके श्री चरणों में भी हमारा नमस्कार है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, आज की जो हम ये पूजा कर रहे हैं इसके इष्ट देव, आज लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, हमारे मुख्य इष्ट देव माँ जगदम्बा लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु है, भगवान आपके श्री चरणों में हमारे प्रणाम है। ओम कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवता अर्थात हमारे पूर्वज वगैरह, वो भी आशा रखते हैं जब भी कोई संतान पूजा करें, हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे पूर्वजों को भी पितरों को भी आशा रहती है कि हमारी संतान हमारे लिए भी कुछ अर्पण करेगी, वो भी संतुष्ट हो। भगवान आपका भी आदर पूर्वक हम आह्वान करते हैं, आप पधारिए और हमारी पूजा में स्थित हो जाइए। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ग्राम देवता अर्थात जहां जहां भी जिस जिस भी जगह में गांव नगर आदि में बैठ के आप पूजन कर रहे हैं, उस ग्राम के कोई अगर देवता हो, भैरव जी आदि या कोई भी आपके
स्थान के वहां के देवता उनको नमस्कार है। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ अहमदाबाद आश्रम में बैठकर पूजा कर रहे हैं। यहाँ की पावन धरती गुरुदेव के सत्संग और तपस्या से स्पंदित धरती है, ये महान पवित्र। आप लोग अपने घर में भी जहां बैठे हैं, वहां के भी स्थान के कोई देवता हो, आपका मकान आदि बना उसके पहले के भी कोई रहने वाले, उनको भी प्रणाम कर लेना। भगवान आपके भी आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि रहे। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सृष्टि के जितने भी ब्राह्मण हैं, उन सबको हम सबका नमस्कार है। ब्राह्मण खास करके वो ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे लिए शास्त्र बनाए। ओम निर्विघ्नमस्तु। अब भगवान गणपति के 12 नामों का उच्चारण करके हम अपनी पूजा आगे बढ़ाते हैं। ओम सुमुखश्चेक दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यपठे श्रोणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये अभिप्सिप्त्यर्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो य सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मे गणाधिपतये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां अमंगलम् येषां हृदिस्तु भगवान मंगलाय तनम हरि। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रियोगम स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां इन्दी वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वेशारब्ध कार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशा न जनार्दना विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। भगवान हमारे सारे कार्य सिद्ध हो, हमारी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारा वर्ष भर खूब आनंद में निकले और हमारे हृदय में गुरु भक्ति बढ़े, हमारे गुरुदेव भी सदा हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ के गंध अक्षत पुष्प आदि पात्र में सामने चढ़ा देंगे। आप जो कटोरी आदि लेके बैठे अगर नहीं है तो जमीन के ऊपर चढ़ा देना, अगर पात्र है कटोरी थाली आदि तो उसके अंदर चढ़ा देना। सामग्री तो आपको बताई दी थी क्या लेके बैठना है, साथ ही ये भी बता देते हैं बर्तन भी साथ में 2-3 थालियां 3-4 कटोरिया 1 लोटा और 2-3 चम्मच आदि भी साथ में जरूर लेके बैठना। अब आपको संकल्प करना है, संकल्प अर्थात हमारा वैदिक एड्रेस। एक आचमनी जल आप अपने हाथ में ले लेंगे, पानी के अंदर ही फूल की 1-2 पंखुड़िया कुमकुम वाली करके रख देंगे। एक 2 कण चावल के रख देंगे। ये संकल्प हमारा वैदिक एड्रेस है। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं, व्यक्ति का नाम, मकान नंबर, गली नंबर, शहर का नाम आदि, ये लौकिक हमारे शरीर का एड्रेस है। वैसे भगवान की दिव्य जो सृष्टि का निर्माण हुआ है उसमें हम कहाँ बैठे हैं, सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी का अभी कितना समय व्यतीत हुआ है, कौन से मनु चल रहे हैं, कौन से इंद्र चल रहे हैं, जो चतुर्योगियों का नियम है उसमें से कौन सा कलयुग आदि चल रहा है, ये हमारा वैदिक एड्रेस है, वो हम बोलेंगे। आप सब हाथ में ले लेंगे जल पुष्प कुमकुम अक्षत आदि और हाथ ऐसे सामने रखेंगे। अब ये पूजा हम जो कर रहे हैं आज, लक्ष्मी पूजन,
वो किस लिए कर रहे हैं, इसका मुख्य हमारा उद्देश्य क्या, संकल्प क्या, वो बोलेंगे। आप लोग बोलना मम, केवल मम ही बोलना, मम ममात्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, बोलो मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम। ये जो पूजा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कि जो लक्ष्मी हमें अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके लिए रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, आठों तरह की लक्ष्मी में खास करके धन रूपी लक्ष्मी दीपावली लक्ष्मी पूजन से आती है, जिस लक्ष्मी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो लक्ष्मी शीघ्र हमें प्राप्त हो, हमारी जो मेहनत है उसके अनुरूप हमें फल मिले। बोलो मम प्राप्त लक्ष्मीश्चिर काल संरक्षणार्थम, जो लक्ष्मी हमें प्राप्त हो वो 100 की कमाई और 150 का खर्चा करके जल्दी जल्दी खत्म नहीं हो जाए, बल्कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक हमारे घर में लक्ष्मी बनी रहे। बोलो मम सकल मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम, हमारी मन की जो भी शुभकामनाएं सब भगवान आपकी कृपा से सिद्ध हो। बोलो मम लोके सभायाम राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, लोगों की सभा में भी जहां भी हम जाएं, चाहे हमारे गांव की, चाहे समाज की, चाहे हमारी जाति की, मोहल्ले की कोई भी बैठक हो या समाज की मीटिंग आदि, जहां भी हम जाएं वहां हमारा यश बढ़े, लोगों के बीच में हमारा प्रभाव, हमारा हमारी प्रतिभा बढ़े, लोग देखें कि पूज्य बापू जी के साधक हैं, लोग हमारा आदर करें वहां बापू जी के नाते। तथा राजकार्य में जहां भी जाए, गृहस्थी जीवन में बारंबार राजकीय कार्यों की जरूरत पड़ती है, चाहे कोर्ट कचहरी हो चाहे सरकारी ऑफिस हो, जहां भी हम जाएं वहां का ऑफिसर हमारा तिरस्कार नहीं करे। आज का जो लक्ष्मी पूजन करने के बाद अब हम जहां भी राजकीय कार्यों में जाएं वहां का ऑफिसर हमारी बात को माने और हमारी समस्याओं का निराकरण किया रहे, हमारा आदर करे वो भगवान। सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, बोलो मम इह जन्मनी जन्मांतरे वा सकल दुरितोप शमनार्थम, इस जन्म के या किसी अन्य जन्म के भी अगर कोई पाप ताप प्रारब्ध आदि अगर शेष हो, जिसके कारण कोई संकट आदि हमारे जीवन में आता हो, तो भगवान वो शीघ्र ये पूजा कर रहे, इसके प्रभाव से वो प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाए। बोलो मम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थम, आदि देविक आदि जितने तीन ताप कहेंगे वो सब शमन हो जाए। बोलो मम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम, बोलो मम ममोपरि सर्व नवग्रह सानुकूलता सिद्ध्यर्थम, जो जितने भी नवग्रह हैं उनके मेरे ऊपर और मेरे पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे, जन्म कुंडली में वर्ष कुंडली में किसी भी तरह से अगर नवग्रह अरिष्ट स्थान आदि में पड़े हुए हों तो आज ये जो पूजा कर रहे हैं उसके प्रभाव से नवग्रह हमारे लिए संतुष्ट हो जाए, संतुलित हो जाए, हमारे ऊपर नव के नवग्रह प्रसन्न रहे। तथा च बोलो मम हम जो ये पूजा कर रहे हैं उसका फल केवल हमको अकेले नहीं मिले, हमारे घर परिवार के कई लोग ऐसे भी हैं जो भारत में बैठ के पूजा कर रहे हैं, उनके घर परिवार के लोग विदेश आदि में बसे हुए हैं, या आपके साथ आपके परिवार के लोग नहीं बैठे हैं, तो ये जो पूजा कर रहे हैं उसका फल हमारे घर परिवार के लोगों को भी मिले, वो भी स्वस्थ सकुशल और सुरक्षित रहे। मम सपरिवार सहितस्य सपशो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम ग्रहे सर्व प्रकारेण सुख समृद्धि प्राप्त्यर्थम, तथा बोलो मम मम हृदय सदगुरु भगवंत से श्री चरण प्रति पूर्ण प्रेमा भक्ति सिद्ध्यर्थम, हमारे हृदय में हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में पूर्ण भक्ति बढ़े, पूर्ण प्रेमा भक्ति भगवत भाव बढ़े। तथा च बोलो मम ममोपरि मम सद्गुरु भगवंतस्य पूर्ण प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम शुभ पुण्य में पूजन कार्यम करिष्ये। पुनर्हस्ते जलमादाय, फिर से अब एक आचमनी जल अपने हाथ में ले लेंगे। तद्रादो दिग्रक्षणम भैरव नमस्कार हनुमंत पूजन कलश पूजन दीपक शंख घंटा कलशाराधन इत्यादि कार्यम करिष्ये। जल है वो जमीन पर डाल देंगे या तो अलग से कोई पात्र आपके पास है उसके अंदर डाल देंगे। अब दिग्रक्षण अर्थात दिशाओं का रक्षण करेंगे हम सब, ये जो पूजा कर रहे हैं इसमें किसी तरह का कोई विघ्न वगैरह नहीं आए, कोई आसुरी तत्व अगर हो ऐसे या अब तक हमारे घर आदि में उपद्रव मचाते हो तो आज जो भगवान के मंत्र से हम अभिमंत्रित अक्षत चारों दिशाओं फैलेंगे, चावल फेंकेंगे उसके द्वारा भगवान वो सारे आसुरी तत्व चले जाएं। थोड़े से चावल 20-25 कण चावल के, ये इधर देखिए आप, ये 20-25 कण चावल के अपने बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में, डाबे हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में,
और दायां हाथ है जो सीधा, वो इसके ऊपर ऐसे ढक देंगे। मन में भाव करके भगवान के मंत्र से, भगवान के नाम से इन अक्षतों को, चावलों को हम अभिमंत्रित कर रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जो 10 दिशाएं बताई गई सनातन धर्म में, उन 10 दिशाओं में इन चावलों को मंत्र करके फिर फेंकेंगे, डालेंगे कि 10 दिशाओं में भगवान का नाम, भगवान का मंत्र हमारी रक्षा करे। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अब अपनी हथेली ऊपर से खोल देंगे, सीधा हाथ ऊपर से हटा लेंगे, चावल बाएं हाथ में ही रहने देंगे। अब जिस जिस दिशा का मैं नाम लू, उस दिशा में आप 2-2 कण चावल के डालते जाना, मन में भाव करके कि भगवान के मंत्र से अभिमंत्रित ये अक्षत हमारी, हमारे घर परिवार की, हमारे वाहनों की, हमारा रोजगार धंधा नौकरी आदि का जो भी स्थल वगैरह, उस सब की रक्षा करेंगे। भगवान आप हमारी हर तरह से सनातन धर्म में बताई गई 10 दिशाओं में रक्षा करना। आप जहां भी बैठे आप अपने हिसाब से दिशाएं देख लेना कि आपके पूर्व दिशा किस तरफ है, दक्षिण कहां है, उत्तर कहां है, देख लेना। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पूर्वे स्थिता, पूर्व दिशा में डालेंगे 2 कण। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता अग्नये स्थिता, अग्नि कोण पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है वो अग्नि कोण कहलाती है। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता दक्षिणे स्थिता, दक्षिण दिशा। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता नैऋत्ये स्थिता, नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच वाला जो कोण है, भगवान वास्तु पुरुष की दिशा। भगवान आज जो पूजा कर रहे हैं, वास्तु पुरुष भी हमारे पर प्रसन्न हो जाए, हमारे घर में किसी तरह का, घर में, ऑफिस में, दुकान में या व्यवसाय स्थल में किसी भी तरह का कोई वास्तु संबंधी दोष है तो भगवान आज जो आपकी पूजा कर रहे हैं उससे वो दोष दूर हो जाए। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता नैऋत्ये स्थिता। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता पश्चिमे स्थिता, पश्चिम दिशा की तरफ डालेंगे। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता वायव्ये स्थिता, वायव्य कोण पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता उत्तरे स्थिता। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता ईशान्ये स्थिता, ईशान कोण। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता ऊर्ध्वे आकाशे स्थिता। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूम्ये पाताले स्थिता, 2 कण नीचे डाल देंगे। ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। फिर से हथेली ढक देंगे। अब मैं जब कहूं एक साथ चारों तरफ अक्षर डालने। अपक्रामंत भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां अवरोधेन पूजा कर्म समारभे यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वतम स्थानं त्यक्ताद् तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतो। भूत प्रेत पिशाचाद्य अपक्रामंतु राक्षसा स्थानादस्मान् व्रजन्त्वन्य स्वीकरोमि भवन्तितान् भूतानि राक्षसा वापि ये यत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वे पिपगच्छन्तु पूजा कर्मम करोम्यहम्। चारों तरफ ये अक्षत अपने चारों तरफ बिखेर देंगे। अब जितनी महिलाएं बैठी हैं पूजा में, जितनी महिलाएं बैठी है वो सब तो पहले एक साथ 3 ताली बजाएंगी। महिलाएं जितनी बैठी है वो 3 ताली बजाओ, तालत्रयम कुरियात। अब पुरुष लोग जितने पूजा में बैठे हैं, जितने भी पुरुष बैठे हैं, वो आपका बायां पैर जो है, डाबा पैर, उल्टा लेफ्ट पैर, वो 3 बार जमीन पर ऐसे ठोकेंगे। वाम पादेन भूमिम त्रिवारम ताडेत गातत्रयम कुरियात। अब आपकी जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, बीच वाली दोनों उंगलियां, वो पानी में डुबाकर, बीच वाली दोनों उंगलियां पानी में डुबा देंगे और फिर ये जल अपने दोनों आंखों पर लगा लेना है। नेत्रोदक स्पर्श, भगवान हमारे नेत्रों की भी सदा रक्षा करना। और शास्त्र में श्रद्धा को नेत्र कहा गया है, भगवान हमारे श्रद्धा रूपी नेत्र की सदा रक्षा करना, हमारी श्रद्धा सदा सुरक्षित रहे, हम गुरु चरणों में सदा भक्ति भाव से, भगवत भाव से सदा लगे रहें।
हमारी श्रद्धा तो बढ़े, लेकिन हमारे संपर्क में जो आए उसको भी हम गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति श्रद्धा से युक्त कर दें। भगवान ऐसी कृपा करना। सब एक साथ जोर से बोलेंगे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा गर्जना के साथ लगाना है। फिर एक बार जोर से, नमक पार्वती पते हरा हरा महादेव। अब भगवान भैरव जी का अपन पूजन करेंगे। फूल की एक दो पंखुड़ियां ले लो हाथ में, फिर से कुमकुम में डुबाकर ही और चावल के एक दो कण हाथ में ले लेंगे। आप अपने सीधे हाथ में ले लेना और उल्टा हाथ ऊपर ढक के रखना। मैं मंत्र बोलता हूं, बार बार मेरे को इधर देखना, मैं हाथ नहीं ढकू उसकी आप चिंता नहीं करना। आप अपने हाथ जरूर ढक के रखना। भगवान भैरव जी को प्रार्थना करेंगे, हे भैरव जी भगवान, आप भगवान शिव जी के प्रिय भक्त हो और सभी कष्ट बाधाओं को विघ्नों को हटाने वाले हो। भगवान भैरव जी, आप रक्षा करने वालों में अत्यंत चतुर हो। प्रभु इस पूजा में हम आपका आह्वान कर रहे हैं। शास्त्र का नियम है कि कोई भी पूजा करे इसमें भगवान भैरव जी का पूजन जरूर करना चाहिए। भैरव रक्षा करने वाले देव कहे गए हैं। संकट बाधा या किसी को कोई भी ऊपरी तकलीफ आदि हो तो उसको मिटाने में भगवान भैरव जी के ही कृपा, उनके ही मंत्र काम करते हैं। तो भगवान भैरव जी को प्रार्थना करेंगे, प्रभु जैसी आपकी भगवान शिव जी के चरणों में भक्ति है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब भैरव जी ने देखा वीरभद्र ने कि मेरे सांब सदाशिव का, मेरे प्रभु का और मेरी माँ सती जी का अपमान हो रहा है, तो भैरव जी सहन नहीं कर पाए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को भी विध्वंस कर दिया। और धर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति गर्जना करता है ना धर्म की रक्षा के लिए, तो उसको शास्त्रों में कहा गया है भैरवनाद करना। तो हे भैरव जी, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सत्य का और धर्म का सदा भैरवनाद होता रहे, ऐसी कृपा करना। ओम तीक्ष्ण दष्ट्र महाकाय कल्पान्तन्दहनोपमे भैरवाय नमस्तुभ्यं तत्त्वज्ञं दातुमर्हसि। ओम बम्बटुक भैरवाय नमहम। ओम बम्बटुक भैरवाय आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतपुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे और जोर से बोलेंगे, बोलिए श्री भैरव जी महाराज की जय। फिर से एक दो फूल की पंखुड़ियां अपने हाथ में ले लेंगे, कुमकुम में डुबा कर ही ले लेनी है और एक दो कण चावल के ले लेंगे। भगवान हनुमान जी का स्मरण करेंगे, हे हनुमान जी महाराज, आप भगवान राम के प्रिय भक्त प्रिय दूत हो और रक्षा करने वालों में परम कुशल हो। भगवान आपका आह्वान करते हैं, आप पधारिए और हमारी इस दीपावली महोत्सव की पवित्र पूजा में स्थित हो जाइए। हमारी, हमारे परिवार की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की हर तरह से सुरक्षा कीजिए। और भगवान हनुमान जी ऐसी तो कृपा कीजिए कि हमारे परम प्यारे गुरुदेव जल्दी से जल्दी बाहर पधारे। हमारे प्यारे नारायण स्वामी जी और गुरुदेव दोनों जल्दी से जल्दी बाहर आए, हमें गुरुदेव के दर्शन हो जाएं, गुरुदेव के सत्संग का कीर्तन का पवित्र लाभ हमें मिले। भगवान ऐसी कृपा कीजिए। ओम अतुलित बल धामम हेम शेलाभ देहम धनुजुबन कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। और इसके साथ ही गुरुदेव ने जो हनुमान जी का पवित्र मंत्र हमें दिया है उस मंत्र को भी सब एक साथ एक बार बोलेंगे कि भगवान हमारे गुरुदेव और नारायण स्वामी भी जल्दी बाहर आ जाए। और इस मंत्र के द्वारा जीवन में कोई कष्ट है, कोई कोर्ट कचहरी संबंधी या जमीन जायदाद आदि के उपद्रव आदि चल रहे हैं, भगवान वो भी दूर हो जाए। मेरे साथ सब जन एक साथ बोलेंगे, ओम पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम श्री हनुमते नमः।
अब क्या करेंगे, उत्तर दिशा और पश्चिम इन दोनों के बीच का जो कोना है वो वायव्य कोण कहलाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच का जो कोना है ये दिशा, ये भगवान वायु देवता की दिशा है, हनुमान जी के पिताश्री वायु देवता, और भगवान हनुमान जी की भी यही दिशा है। अपने हाथ के गंध अक्षत पुष्प आदि वायव्य कोण की तरफ उछाल के चढ़ा देंगे और हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। ओम शिम हनुमते नमः, आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। जोर से एक साथ बोलना है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी का पूजन संपन्न हुआ। अब अपन सब कलश की पूजा कर रहे हैं, कलश पूजन करेंगे, क्योंकि आज हम जो इस सारा दिव्य पूजन इस दीपावली महापर्वोत्सव के निमित्त से करेंगे वो साधारण जल से नहीं बल्कि तीर्थों के आवाहित जल से करेंगे। मंत्रों के द्वारा सारे तीर्थों का आवाहन करेंगे, तीर्थ देवता सारे पधारे और उनके जल से हम भगवान गणपति गुरुदेव माँ जगदम्बा लक्ष्मी माता भगवान विष्णु आदि का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कलश स्थापित करने के लिए कुमकुम का एक तिलक अपने सामने जमीन के ऊपर कर देंगे, कुमकुम का एक तिलक करेंगे जमीन पर। अब आपका जो कलश तैयार है वो कलश अपने हाथों को खिले हुए कमल की तरह ऐसे रखेंगे और हाथ में कलश पकड़ कर रखेंगे, जैसे मैंने पकड़ा है ना, आप लोग देख रहे हैं, ऐसे आप अपना अपना कलश हाथ में पकड़ लीजिए और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे समस्त तीर्थों के सारे जल के अधिष्ठाता देव भगवान वरुण देव, आप सारे तीर्थों को और जगत के जितने भी पवित्र जल है उन सबको लेकर भगवान यहाँ पधारिए, आपका स्वागत है, हमारे इस पवित्र पूजन में आप स्थित हो जाइए। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हवीर्भिः अहेडमानो वरुणो हबोद्दुर्षग्गो समान आयुः प्रमोकि। ओम मकरस्तं पाशहस्तां पसांपतिमीश्वरं आवाहे प्रतीचीशं वरुणं यादसांपतिम। ओम अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधकं सशक्तिकं आवाहयामि स्थापयामि। अब जैसे स्थापन करने का मैं मंत्र बोलूंगा, आप सब अपने अपने कलश जो आपने कुमकुम का तिलक किया उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। ओम मनो ज्योतिर्जोघता माजस बृहस्पतिर् जगनामी मंतनो त्वरिष्टं जगनगो सामी मंदधातो विश्वे देवास इहमा दयंतामो। प्रतिष्ठा, ये जो कुमकुम का तिलक किया इसके ऊपर अपना अपना कलश प्रतिष्ठित कर देंगे। तदपश्चात कलश पूजन कार्यम करिष्ये, भगवान कलश देवता को पंचोपचार पूजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले कलश देवता को कुमकुम का एक तिलक कर देंगे, कुमकुम को भिगा लेना अगर भिगा हुआ नहीं है तो। ओम वम वरुणाय नमः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम। ओम वम वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि अक्षतान समर्पयामि। दो चार कण चावल के ले लेंगे हाथ में और चावल अक्षत लेकर कलश के अंदर डालने। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर। ओम वम वरुणाय नमः अक्षतान समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि फूल लेकर डालेंगे, दो चार पंखुड़िया फूल की लेकर आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो, फूल नहीं भी हो तो फूल की जगह चावल डाल सकते हैं, क्योंकि फूल लेने के लिए बाहर ज्यादा घूमना नहीं क्योंकि ये कोरोना का संकट काल चल रहा है। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पो यम प्रतिग्रह्यताम। ओम वम वरुणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। धूप अपने कलश देवता को अर्पण करेंगे, कलश देवता को अगरबत्ती का धूप अर्पण करेंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमम आग्रेयम सर्वदेवानाम धूपो यम प्रतिग्रियताम। ओम वम वरुणाय नमः धूपम आग्रापयामि। अब अपने कलश देवता को दीपक की आरती दे देंगे, ये जो सामूहिक दिया हमने पूजन के आरंभ में जो जलाया है उसकी आरती वहीं से बैठे बैठे। सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निनायोजितम मया
दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम्। कलश देवता को दीपक की आरती दे दी। अब थोड़ा सा नैवेद्य भोग लगाएंगे कलश देवता को, मिश्री शक्कर गुड़ चीनी आदि जो भी आपने रखा है, मैं मिश्री थोड़ी डाल रहा हूं अंदर, आपके पास जो भी उपलब्ध हो नैवेद्य मिठाई वगैरह जो भी हो डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालना है, कलश का जल थोड़ा मीठा हो जाए। ओम नैवेद्यम निवेदयामि, बायां हाथ ऐसे मुंह के आड़ा रखना है, बायां हाथ मुंह के आड़ा रखना है ऐसे, और दाएं हाथ से जमणे हाथ से भगवान को भोग लगाना है। मेरे साथ सब बोलते जाएंगे, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मध्ये पानीयम समर्पयामि, चम्मच से कलश के अंदर से थोड़ा पानी लेंगे ऐसे, और कलश के ऊपर से ऐसे उतार कर कटोरी में डाल देंगे। मध्ये पानीयम समर्पयामि। अब दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करेंगे। आप घर में जितने सदस्य बैठे हैं, और कोई एकादाक सदस्य अगर घंटी है आपके पास तो घंटी बजाना, घंटी नहीं है तो चम्मच से थाली को भी बजा सकते हैं, क्योंकि शास्त्र का नियम है। पूज्य गुरुदेव ने भी सत्संग में कहा है कि जब भगवान को भोग लगाएं तो घंटी जरूर बजानी चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। मेरे पास तो घंटी बजा रहा हूं, आपके पास नहीं है, चम्मच से भी थाली को बजाया जा सकता है। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगोशिरश्नोद्योः समवर्तताम् पद्भ्याम् भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन्ना। फिर से बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दाएं हाथ से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तीन आचमनी पानी लेकर जमीन पर डाल देंगे, या तो आपके पास अलग से कोई पात्र है पूजा का तो उसमें डाल देंगे। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। आप अपनी तीसरी उंगली कुमकुम वाली करेंगे और कलश को बाहर से स्पर्श करके रखेंगे, कलश को अभिमंत्रण करना है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रा गणास्मृता कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगेश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाशिता गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयांतु मम शांत्यर्थम दूरित अक्षय कारका। सारी देव नदियों का आवाहन करेंगे। ये जो अपनी उंगली कुमकुम वाली वो ऐसे ऊंची रखकर सारी देव नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती आदि का आवाहन करेंगे कि जगदम्बा आप भी पधारो, आपका स्वागत है हमारी पूजा में। आज दीपावली का पावन पर्व है, आप सब पधारिए, हमारे कलश में स्थित हो जाइए। गंगे च यमुने चेव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपनी उंगली कलश के जल के अंदर डुबा देंगे गंगा जी आदि सबका आवाहन करके। अब अपने हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली है, मध्यमा उंगली, बड़ी वाली उंगली, वो उंगली कुमकुम वाली करके और हाथ ऊपर उठा के भगवान सूर्यदेव को ये उंगली दिखाएंगे कि हे सूर्यदेव, धरती के सारे तीर्थ तो पधार गए भगवान, लेकिन हे सूर्यदेव, आप तो पूरे ब्रह्मांड में नित्य भ्रमण करते हैं, तो ब्रह्मांड के और भी जितने तीर्थ हैं, जैसे आकाश में आकाश गंगा, पाताल में पाताल गंगा, मंदाकिनी आदि, उन सबको भगवान आदर पूर्वक ले आइए और हमारे इस कलश के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देही दिवाकर। अब अपनी जो मध्यमा उंगली है वो कलश के अंदर डुबा देंगे, मध्यमा उंगली कलश के अंदर डुबा देंगे। ततः पूजनम करिष्ये, अब कलश का पूजन करना है। कलश को चारों दिशाओं में जिस जिस दिशा का नाम लो उस दिशा के हिसाब से तिलक करना है। आपके वहां जो भी दिशा है वो आप देख लेना, मैं यहां तिलक कर रहा हूं। सबसे पहले पूर्व दिशा में ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि। फिर दक्षिण दिशा में ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि। ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि। ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः
अथर्ववेदम पूजयामि। एक तिलक कलश के अंदर पानी में करेंगे, कलश मध्ये अपाम पतये नमः, अपाम पतिम पूजयामि। ओम श्री गायत्रादिभ्यो नमः। अब एक साथ सब जने एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गायत्री देव्ये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। हमारे कलश के अंदर जगदम्बा गायत्री माता, आप वेदों का मूल हो, वेदों की माता हो जगदम्बा, आप भी प्रकट हो जाओ कलश में। तत्पश्चात धेनु मुद्राम अमृतिकृत्य। अब आप सबकी तरफ से धेनु मुद्रा मैं बना लूंगा, आप देख लेना। धेनु मुद्रा अर्थात काम धेनु के गाय के चार स्तन हैं। काम धेनु गाय के ऐसा भाव, काम धेनु गाय के स्तनों से अमृत हमारे कलश के अंदर प्रवाहित हो रहा है, ऐसा भाव करेंगे। और मेरे साथ आठ बार बोलना है आपको, ओम वम 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 वम। तत्पश्चात मत्स्य मुद्रा माचाद्य, मत्स्य मुद्रा बनानी है। ये जो आपका दायां हाथ है जमणा हाथ, वो ऐसे खुला हुआ रखेंगे, अंगूठा अलग, और उसके ऊपर बायां हाथ ऐसे रख देंगे, डाबा हाथ उल्टा हाथ, और दोनों अंगूठों को ही हिलाते थे, मत्स्य अर्थात मछली जैसी मुद्रा बन गई, मत्स्य मुद्रा। ठीक है, ये अपनी हथेली ऐसे कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे और दोनों अंगूठों को हिलाते जाएंगे। मेरे साथ आठ बार बोलेंगे, ओम वम वरुणाय नमः, 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 ओम वम वरुणाय नमः। बस अब हथेली को हटा लेंगे। अब चम्मच के द्वारा, आचमनी के द्वारा जो कलश का जल है, इसको तीन बार ऊपर नीचे कर लेंगे। ओम उदका उदकम करिष्ये, तीन बार ऊपर नीचे कर लेना जल को। ठीक है, ये हमारा मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कलश का पवित्र जल तैयार हो गया है। अब इस पवित्र जल के द्वारा एक बार फिर से हम पवित्रीकरण का कार्य कर रहे हैं। अपने शरीर के ऊपर भी ये जल छिड़क देना और पूजा की सामग्री के ऊपर भी जल छिड़कना। भगवान, ये सामान हम दुकान से बाजार से खरीद के लाए हैं, किसी तरह का किसी की दृष्टि पड़ी हुई हो, किसी का छूना छूना हुआ हो, वो सारी पवित्रता दूर हो जाए। ओम आपो हिष्टा महोभवस्थान ऊर्जे ददातन महेणा चक्षसे जो व शिव मोर सस्तस्य बाजेते नम। ओम उषित्रि मात्र तस्मा अरंगवांबो जस्य क्षयाय जनवत आपो जन यथाचन। जल छिड़क देंगे अपने ऊपर और इस तरह से हमारा कलश पूजन पूर्ण हुआ। दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के गुरुदेव को और कलश देवता को प्रणाम कर लेंगे और जोर से एक साथ बोलना है, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कलश पूजन हमारा पूरा हो गया। अब फिर से हाथ में फूल की एक दो पंखुड़ियां ले लेंगे और दीपक देवता को नमस्कार करेंगे। ये दीपावली तो पर्व ही दीपों का पर्व है। यहां भी पूजन में कितने दीपक पूज्य गुरुदेव के आगे आज दीपावली के शुभ अवसर पर प्रकट किए गए। आप लोगों ने भी घर में खूब दिए जलाए होंगे, तो दीपक देवताओं को नमस्कार करेंगे। अपनी फूल की पंखुड़िया कुमकुम वाली कर लो, हाथ में दो चार कण चावल के ले लेंगे अक्षत के और दीपक देवताओं को नमस्कार करेंगे। ओम भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविग्नकृत यावत पूजा समाप्ति स्यात् तावत् दत्र स्थिरो भव। ओम अनेन पूजनेन दीप देवता प्रियंताम नमः। ओम दीपस्त देवता नमः। आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षत पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। अपने हाथ के पुष्प अक्षत आदि दीपक देवता के आगे चढ़ा देंगे और दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के दीपक देवता को प्रणाम कर लेंगे। भगवान, आपके आशीर्वाद आपकी कृपा सदा हमारे पर बनी रहे। तत्पश्चात शंख पूजनम करिष्ये। ओम शंखम चंद्रार्क देवत्यम वरुणम चादि देवतम प्रष्टे प्रजापति विद्या दग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोके यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखम प्रपूजयेत्। ओम शंखस्थ देवताय नमः। गंधाक्षतुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। आपके घर में अगर दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसकी भी पूजा कर लेना, कुमकुम का तिलक कर लेना, चावल चढ़ा लेना और एक दो पंखुड़िया फूल की शंख देवता के ऊपर चढ़ा देना।
गंधाक्षतुष्पे संपूज्य नमस्कारोमि। शंख अगर है तो भी और शंख घर में नहीं है तो भी आप शंख मुद्रा जरूर बना लेना। अपने आश्रम की जो महान पत्रिका है ऋषि प्रसाद, उसमें शंख मुद्रा कैसे बनाई जाती है वो पहले एक बार किसी अंक में बताया था। ये दाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ के हथेली से पूरी अंगुलियों से ऐसे पकड़ लेंगे और ये अंगूठा जो अलग रहा है उसके ऊपर दाएं हाथ की बची हुई अंगुलियां इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। एक बार फिर देखना, दाएं हाथ का अंगूठा बाएं हाथ की अंगुलियों से पकड़ लिया ये, और दाएं हाथ की जो हथेली बची है उंगलियां ये इसके ऊपर रख दी ऐसे। ये देखो शंख जैसा आकार बन गया नहीं, शंख जैसी आकृति। ये शंख मुद्रा बनाने से जीवन शक्ति का बड़ा विकास होता है, शरीर में बड़ा लाभ होता है, स्वास्थ्य बल बढ़ता है। ऐसे शंख मुद्रा बना के रखना। शंख आपके पास नहीं हो तो भी चलेगा, है तो भी बना लेना। ओम पंचन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्ना शंख प्रचोदयात्। ओम शंखस्थ देवताय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतुष्पे संपूज्य नमस्कारोमि। अब इसके बाद घंटा की पूजा करेंगे। पहले थोड़ा सा घंटी बजा लेंगे, इसके बाद घंटा देवता का पूजन करेंगे। ओम आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम घंटानादं प्रकुर्वेत पश्चात घंटां प्रपूजेत। ओम घंटास्थाय गरुडाय नमः आवाहयामि स्थापयामि गंधाक्षतुष्पे संपूज्य नमस्कारोमि। तिलक करेंगे घंटा देवता को, अक्षत चढ़ाएंगे थोड़े से और थोड़े से फूल की पंखुड़ियां उनके ऊपर चढ़ा देंगे। घंटास्थाय गरुडाय नमः गंधाक्षतुष्पे संपूज्य नमस्कारोमि। अब हम भगवान गणपति का पूजन कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजन का सबसे महत्वपूर्ण और खास पूजन भगवान गणपति का पूजन। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म की परंपरा में खास पूजन। ये जो सुपारी मैंने सामान में लिखाई थी, इस सुपारी के अंदर भगवान गणपति का हम आवाहन पूजन आदि करेंगे। आपके पास जो कटोरी मैंने सामान में पहले ही लिखाया, 3-4 कटोरियां रखना। कटोरी में इस तरह से फूल बिछा देंगे और फूलों के आसन के ऊपर भगवान गणपति की सुपारी को हम स्थापित करेंगे। इस तरह से स्थापित करना है, देख लेना ध्यान से। भगवान गणपति का इस सुपारी में आवाहन पूजन आदि हम करेंगे। सबसे पहले भगवान गणपति का हम ध्यान करेंगे। अब यह सुपारी हमारे लिए साधारण सुपारी नहीं, साक्षात भगवान गणपति की प्रतिमा है। और गणपति का अभिषेक करने के बाद ये सिक्के के अंदर हम, सिक्का भी मैंने सामान में जो लिखाया है, सिक्के के अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। आज दिवाली की खास हमारी पूजा है लक्ष्मी पूजन की है। एक बात खास करके ध्यान रखना, लक्ष्मी पूजन पूरा हो जाए इसके बाद, अलग से कई लोग पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, ये सुपारी और सिक्का इन दोनों को संभाल के अपने घर में रख देना। अगर हो सके तो लाल कपड़े में इन दोनों को गांठ लगाकर पूजा के स्थान में रख देना, या तो आपका कैश बॉक्स, पैसे आदि रखने की जो जगह है, गल्ला वगैरह या तिजोरी वगैरह, उसमें सुपारी और सिक्का रख देना। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना, कोई अपवित्र व्यक्ति, मासिक धर्म वाली महिला आदि इनको नहीं छुए। ये जितना पवित्र रहेंगे उतना ही उनका प्रभाव ज्यादा है। अब हम पहले गणपति भगवान का पूजन कर रहे हैं कि आज दीपावली का अत्यंत शुभ दिवस है, शुभ पर्व दिवस है, उल्लास के साथ है गणपति भगवान आपका हम ध्यान कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। गणपति भगवान आप अपने परिवार के सहित पधारिए। भगवान गणपति की दो पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि, दो पुत्र हैं लाभ और शुभ, और भगवान गणपति की एक पुत्री भी है जिनको ऋग्वेद में तुष्टि देवी कहा गया है, जो षोडश मातृकाएं कही गई हैं, गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मात्र धृति पुष्टि स्थिता तुष्टि आत्मना कुल देवता। इस तरह से जो 15वीं देवी कही गई है तुष्टि देवी, वो गणपति भगवान की पुत्री है, सदा संतुष्ट रहती है, इसलिए इनको कलयुग में संतोषी माता भी कहते हैं, शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी। तो भगवान गणपति आप अपने इस पूरे परिवार के सहित हमारी इस पूजा में पधारिए। आज दीपावली का अत्यंत शुभ अवसर है। भगवान आपका हम वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गणपति भगवान सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय और सारे विघ्न बाधाओं को हटाने वाले हैं। जैसे ही गणपति भगवान आ गए, समझो विघ्न बाधाएं गए जीवन में से, अब कोई संकट नहीं, अभी के विघ्न भी नहीं और भविष्य में आने वाले विघ्न भी खत्म हो गए, समझो भगवान गणपति की पूजा करने से। तो दोनों हाथ जोड़ के भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। हो सके तो एक दो फूल की पंखुड़ियां हाथ में ले लो,
भगवान गणपति का अपन ध्यान कर रहे हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वरिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। दत्वा ध्यानम समर्पयामि। हाथ के पुष्प आदि सुपारी पर चढ़ा देंगे। भगवान गणपति आपका ध्यान किया है, हमने आपको ध्यान अर्पण कर रहे हैं। अब ये सुपारी हमारे लिए सुपारी नहीं है, भगवान गणपति का सपरिवार हमने आवाहन किया है। ये साक्षात भगवान गणपति की प्रतिमा है, इसको आदर के साथ अपने घर में रखना, फिर देखो विघ्न बाधाएं कैसे दूर होते हैं। ये हमारी सनातन धर्म की परिपाटी है। अब भगवान गणपति का हम आवाहन कर रहे हैं, हाथ में एक दो कण चावल के ले लेंगे भगवान गणपति का आवाहन करने के लिए। ओम आगच्छ देव देवेश तेजो राशे जगतपते क्रियमाण मया पूजाम ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। आवाहनम समर्पयामि। चावल चढ़ा देंगे भगवान गणपति के ऊपर। अब भगवान गणपति को फूलों का आसन अपन अर्पण करेंगे। हाथ में थोड़े फूल ले लेंगे, आपके पास जो भी फूल हो। फूल नहीं हो तो आप चावल ले लेना भले, और हो तो बहुत बढ़िया है। सामग्री में लिखा है तो आपको पहले ही फूल फूल ले लेना। भगवान गणपति देव आपको हम पुष्पों का दिव्य आसन अर्पण कर रहे हैं, आप प्रेम पूर्वक इसके ऊपर विराजमान होइए। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौख्य करम शुभम आसनम च मया दत्तम ग्रहीत्वा परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। आसनम समर्पयामि। पुष्प आसनम समर्पयामि। तत्पश्चात पाद्यम। पाद्य का अर्थ होता है चरण धुलाना। हमारी सनातन धर्म की परंपरा हिंदू धर्म की कि घर में कोई भी ऋषि मुनि संत ब्राह्मण या भगवान देवी देवता आदि अगर आए तो आते ही सबसे पहले उनके चरण धुलाए जाते हैं, पाद प्रक्षालन कराया जाता है। तो ये तीर्थों का जो दिव्य जल है, गंगा यमुना आदि दिव्य नदियों का जो आवाहन किया हुआ हमारा पवित्र तीर्थ जल है, उसके द्वारा भगवान गणपति के रिद्धि सिद्धि माता के इन सब के हम चरण धुला रहे हैं, उनके पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, ऐसा भाव करते हुए ये जल चढ़ाएंगे। उष्णोदकम निर्मलम च सर्व सौगंध संयुतम पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तम ते प्रतिग्रह्यताम। ओम भूर्भुवस्व रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। पद्यम समर्पयामि। अर्घ्यम समर्पयामि। अब अर्घ्य लेना है। अर्घ्य कैसे करेंगे? एक आचमनी भर के ही जल ले लिया, चम्मच भर के जल ले लिया, और जल के अंदर ही कुमकुम का एक तिलक कर दिया। चम्मच के अंदर ही कुमकुम का ऐसे तिलक कर लो। चम्मच के अंदर ही फूल की एक दो पंखुड़ियां रख देनी है, और चम्मच के अंदर ही एक दो कण चावल के रख देंगे भगवान गणपति के लिए। ये अर्घ्य कहलाता है। अर्घ्य का अर्थ होता है उपहार। हमारी सनातन परंपरा है हिंदू धर्म में कि घर में कोई भी ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान देवी देवता आदि आए तो उनको अर्घ्य दिया जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेच्छति। भक्त प्रेम पूर्वक मेरे को पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ भी चढ़ा दे, मैं प्रेम से इसे स्वीकार करता हूँ। तो हे गणपति भगवान, आपको ये पुष्प अक्षत गंध जल आदि का वैदिक अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं, आप प्रेम से स्वीकार कीजिए। अर्घ्यम ग्रहाण देवेश गंध पुष्पाक्षतेर्युतम ताम्रपात्र स्थितम चैव फलतोय समन्वितम। ओम भूर्भुवस्व रिद्धि बुद्धि से श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान को अर्घ्य इस तरह से चढ़ा देना है। तत्पश्चात आचमनीयम समर्पयामि।
भगवान को एक काचमनी जल चढ़ाना है। सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यताम मया दत्तम ग्रहित्वा परमेश्वर ओम भूर्भुवस्सु बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः आचमनीयम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। तीर्थों का जो दिव्य जल है उससे हम भगवान गणपति को स्नान करा रहे ऐसा भाव करके आज दीपावली का शुभ अवसर है। प्रेम पूर्वक और खुश होते हुए हृदय पूर्वक आनंदित होकर भगवान गणपति को तीर्थों के जल से स्नान कराएंगे, फिर देखो जीवन कैसा खुशियों से भर जाता है। ओम गंगा सरस्वती रे वा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोसि मया देव अतो शांतिम प्रयच्छमे ओम भूर्भुवस्सु बुद्धि से महागणपति देवताभ्यो नमः तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। तीन आचमनी भर के जल भगवान गणपति के ऊपर चढ़ा देंगे, तत्पश्चात अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान गणपति के ऊपर हम अभिषेक स्नान चढ़ा रहे हैं। ये गुड़ वाला पानी है, मैंने पहले ही जब सामग्री शुरू में बताई थी तो दिखा दिया था, पानी के अंदर थोड़ा गुड़ मिलाकर और ये पानी अपन तैयार कर रहे हैं। गुड़ वाले पानी से भगवान गणपति का आज हम अभिषेक करेंगे। आज दिवाली का पवित्र शुभ अवसर है। एक बात खास करके ध्यान रखना, गुड़ मिश्रित जल से भगवान गणपति का अभिषेक तो करो, करेंगे, लेकिन अभिषेक हो जाए इसके बाद ये जो अभिषेक से बचा हुआ पानी है वो भूल के भी तुलसी में मत चढ़ाना कभी भी। गणपति के अभिषेक का पानी कभी भी तुलसी में नहीं चढ़ाया जाता, अगर तुलसी में चढ़ाया तो तुरंत घर के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए गणपति के अभिषेक से बचा हुआ जो जल है, अभिषेक करने के बाद बचा हुआ जल, वो कहीं वट वृक्ष में या पीपल आदि में पवित्र जगह पर गमले के अंदर डाल दें, लेकिन तुलसी में भूल के भी नहीं डालें। अब अपन भगवान गणपति का दिव्य अभिषेक कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने घरों में जो लाखों लोग बैठ के देख रहे हैं इस वीडियो पूजन के द्वारा, वो अपने अपने घरों में गुड़ मिश्रित जल के द्वारा भगवान गणपति का दिव्य अभिषेक आरंभन करेंगे। मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं मंत्र बोलता जा रहा हूँ, आप लोग गुड़ मिश्रित जल से भगवान गणपति का अभिषेक करना प्रेम पूर्वक उल्लास के साथ, आज दीपावली का शुभ अवसर है। अतो अभिषेक स्नानम समर्पयामि। हरि ओम ओम गणानंता गणपति गो हवामहे, प्रियानंता प्रियपति गो हवामहे, निधीनंता निधिपति गो हवामहे, वसो मम आहम जानि गरुदमात्म जासि गरुदम मम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदाम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां, भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जित्राहम्। ओम स्थिरैरंगे स्तुष्ट्वाग्मो सस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायु। ओम स्वस्ति न इन्द्रवत् श्वा, स्वस्ति न पूका विश्वेदां, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, शांति शांति शांति। ओम अथ गणपतिर्शिषम मम नमस्ते गणपते, त्वे प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, ते केलं कर्तासि, ते केलं धर्तासि, केलम हर्तासी, तमेव सर्वम खल्विदं ब्रह्मासी, तम साक्षात् आत्मासि नित्यम। मम ओम ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, अवतम अवक्तारम श्रोतारम दातारम धातारम। मम नवानुचानम शिशम वपश्चात् पुरस्तात् भूत्रातात् दक्षिणातात् अपचुरदातात् भाद्रातात् सर्वतोमां पाई पाई समन्तात्। ओम तम वाङ्मयस्तम चिन्मयस्तम आनन्दमयस्तम ब्रह्ममयम, तम सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि, तम प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं तैलेवेशति, सर्वं जगदिदं तैप्रतेति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभं, तं चत्वारि वाक्पदानिदं गुणत्रयादिदं स्थात्रयादिदं देहत्रयादिदं कालत्रयादिदं। अहं तं मूलाधारिस्तोऽसि नित्यं, तं शक्तित्रयात्मकं, त्वां यज्ञो धयन्ति नित्यं, तं ब्रह्मा, तं विष्णु, तं रुद्रस्तम् इन्द्रस्तम् अग्निस्तम् वायुस्तम् सूर्यस्तम् चन्द्रमास्तम् ब्रह्म भूर्भुवस्सोमम्। अहं गणादीन् पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिस्तन्त्रम् अनुस्वार परतर हृदयेन्दुलस्तम् तारेण रुद्धमदत्तमनुसरूपम् गकार पूर्वकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्द्रूपम् इन्द्रतर्पमम्। अहं नादः सन्धानं सद्गुहिता सन्धि शेषा गणेश विद्याक्षी निच्छत गायचंद गणपतिर देवता। ओम गम गणपते नमः। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयादम। एक दंतम चतुरस्तम पाशमंकुशधारणम रदम च वरदमस्ते विभ्राण मुष्कतजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पैस्पूजितम। ओम भक्त्यानुकम्पितम देवम जगत्कारणभुजम आविर्भूतम च षष्ठादोपगतेः पुरुषात्रम। ओम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरम। ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमदपते नमस्ते स्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री भरतमूर्ते नमो मितदर्शिषम योदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नेर न बाध्यते ओम स सर्वदा सुखमेधते स पंचमापापात्मुचते। ओम साय मध्यान्हो दिवस कृतम पापम नाशयति, प्रातर ध्यानो रात्रि कृतम पापम नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापोऽवति। ओम सर्वत्र ध्यानो विघ्नोऽवति, धर्ममृतं कामं मोक्षं विन्दति। ओम इदमित शिष्यम शिष्याय न देयं मम। ओम यो यदि महद्दासी पापयान् भवति सहस्रावर्तनाद्योम कामति देवनन्तमनेन साधयेत्। ओम नयन गणपतिमभिषिञ्चितिं स वाग्मी भवति, चतुर्थ्यां नश्नञ्जपतिं स विद्यावान् भवति इत्यथोण वाक्यं मम। ओम ब्रह्माद्यावर्णविद्यान्वेदि कदाचनेति।
ओम यो दुर्वांग कुरेर स्तिम से मैं शरण पाऊं भवति ओम यो लाजेर स्तिम से यशवान मेधावान भवति ओम यो मदक सहस्त्रेण ये स्तिम से वांछित फलम वाप्नोति यो साज समिधिर स्तिम ससन होते ससन होते अष्टो ब्राह्मणान सब ग्रहिता सूर्य वर्चसी भवति सूर्य गृह मानद्याम प्रतिमा सनिद्वा जपताम सिद्ध मंत्र भवति महाविघ्नात् प्रभुचितमा दुषात् प्रतिमा प्रतिवायत् मूर्ति ओम ससरिद्वतीम ससरिद्वतीम एवं वेद इत्युपनिषदम भद्रम कर्णे भी शुणियाम द्वयम भद्रम पश्येमाक्ष भीर्जित्राम ओम स्थिरे रंगे स्तुष्ट्वाग्मु सस्तनो भीर्वशेमयि देव हितम जदायु ओम स्वस्ति न इंद्रवत स्वस्ति न पूका विश्वेदाम स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ट नेमीम स्वस्ति नो व्यस्तिर्दधातु शांति 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 ओम जय जय श्री गणपति दर्शन शम्मम ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः ओम गम गणपतये 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 नमः। ये भगवान गणपति का गुड़ मिश्रित जल के द्वारा अभिषेक संपन्न हुआ। अब भगवान गणपति की इस दिव्य प्रतिमा को इस सुपारी को अंदर से उठा लेंगे और शुद्ध जल से भगवान गणपति को अपन स्नान कराएंगे। कटोरी के ऊपरी पकड़े रख के तीन आचमणि जल डाल के ओम शुद्ध बाल हस्तर शुद्ध बालो मणि बाल हस्ताशुना शेताक्षण रुद्रान भोरूपा पर्जन्य ओम पूर्वस्तर रिद्धि बुद्धि से महा गणपति देवताभ्यरम शुद्धो जक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान गणपति को थाली के अंदर ही थोड़े पुष्प आदि का आसन देकर भगवान गणपति को वहां पर विराजमान कर देंगे। ये एक पूरे पुष्प का आसन भगवान गणपति के लिए रखकर हम यह थाली जो पूजा की उसके बीचों बीच में ही भगवान गणपति को विराजमान कर रहे हैं। पुष्प के दिव्य आसन के ऊपर भगवान गणपति को विराजमान कर रहे हैं। ओम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि तत्पश्चात वस्त्रेण प्रमृज्य पुष्प आसनोपरि भगवान गणपतिम निधाय पंचोपचार पूजनम समर्पयामि। भगवान गणपति और रिद्धि सिद्धि माता आदि को हम पंचोपचार पूजन अर्पण कर रहे हैं भगवान गणपति को। सबसे पहले कुमकुम से भगवान गणपति को तिलक करेंगे। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होपवेश्यम। ये कुमकुम, कुमकुम दिख रहा है सबको, कुमकुम के द्वारा भगवान गणपति को रिद्धि सिद्धि माता को तिलक कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सु रिद्धि बुद्धि सेच्छिमन महा गणपति देवताभ्यर्मम गंधम समर्पयामि। गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होपवेश्यम गंधम समर्पयामि अक्षदान समर्पयामि। ओम चावल चढ़ाएंगे अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्याग्रहाण परमेश्वरम। ओम भूर्भुवस्सु रिद्धि बुद्धि सेच्छिमन महा गणपति देवताभ्य नमः अक्षदान समर्पयामि। भगवान गणपति को पूर्ण रूप से पंखुड़ी नहीं केवल अगर पूर्ण फूल हो तो और बढ़िया है ना, ये खिला हुआ फूल भगवान गणपति को, और लाल फूल हो तो और भी बढ़िया। रक्त पुष्प भगवान गणपति का प्रिय है तो लाल लाल रंग का फूल हम भगवान गणपति को चढ़ा रहे हैं। हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे, भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं ऐसा भाव करके। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मल्यादिनि सुगंधिनि मालत्यादिनि वे प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पुष्पोयम् प्रतिग्रह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सु बुद्धि से श्रीमद् महागणपति देवताभ्यर्मम पुष्प अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान गणपति को हम पुष्प का अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं, स्वभाव से गणपति भगवान को फूल चढ़ा दिए। तत्पश्चात रक्त वस्त्रम समर्पयामि। भगवान गणपति को हम एक लाल अलग से वस्त्र जो रखा हुआ है कांडा, वो नाड़ा छड़ी चढ़ा देंगे, लाल धागा जो हाथ में बांधा था वो। ओम युवा सुवासा परिवेतागा भवती जायमान तंदीरा कवय उन्नयंती स्वाद्यो मनसो देवयंत। लाल वस्त्र भगवान गणपति के ऊपर लपेट के इस तरह से भी चढ़ा सकते हैं या इस तरह से भी चढ़ा सकते हैं। देखो
ये दोनों उंगलियां ऐसे रख के इसके ऊपर लाल धागा लपेट लिया और फिर भगवान गणपति को अर्पण कर दिया है, पहना दिया सुपारी को ऊपर से, रक्त वस्त्र अर्पण कर दिया। अब भगवान गणपति को हमारे पास अगरबत्ती धूपबत्ती आदि जो कुछ भी है उसका धूप अर्पण करेंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमम् आग्रेयम् सर्वदेवानाम् धूपोयम् प्रतिग्रह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सु ऋद्धि बुद्धि सेचमन महागणपति देवताभ्यो नमः। धूपम् आग्रापयामि। दीपक जो हमारा अखंड दिया जल रहा है, आज तो दीपावली दीपों का ही पर्व है, अनेक दिए जल रहे हैं, इन दीपकों की आरती भगवान गणपति को देंगे। सज्जम चवर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोके तिमिरापहम। ओम भूर्भुवस्सु ऋद्धि बुद्धि सेचमन महागणपति देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। अब भगवान गणपति को हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। आपके पास जो भी हो, अभी तो कोरोना का कठिन समय चल रहा है, अगर घर में ही बना हुआ नैवेद्य ज्यादा अच्छा है, हलवा आदि कुछ भी बना के, या तो गुड़ से बना हुआ कोई, हमारे पास मिश्री वगैरह भी है। भगवान गणपति को नैवेद्य के रूप में हम मिश्री अर्पण कर रहे हैं। ये मिश्री चीनी गुड़ जो भी है आपके पास भगवान गणपति के आगे अर्पण कर दिया। जलेन संप्रोक्ष, बायां हाथ से मुंह के आड़ा रखना है, डाबा हाथ बायां हाथ है वो मुंह के आड़ा रखना है लेफ्ट, और राइट हैंड जो है आपका दायां हाथ, उससे भगवान को भोग लगाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे पीछे स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। एक आचमनी जल नैवेद्य के ऊपर से उतार कर और थाली में अर्पण कर दे। मध्ये पानीयम समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और साथ में एकाधक जना अगर आपके पास घंटी वगैरह तो घंटी भी बजाना। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षज्ञो शिरस्नोद्योः समवर्तत पद्याम् भूमिदिशा श्रोतात् तथा लोकाम् अकल्पयन्। फिर से बायां हाथ एक बार मुंह के आड़ा रखकर डाबा हाथ और जमणे हाथ से भोग लगाएंगे, सीधे हाथ से दाएं हाथ से। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तीन आचमनी जल थाली के अंदर छोड़ देंगे। ओम हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। तदपश्चात सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। भगवान गणपति को अब सौभाग्य द्रव्य चढ़ाएंगे। ये जो हमने पूजा में शुरुआत में हल्दी लिए और सूखा कुमकुम भी है, वो एक एक चुटकी भर के सौभाग्य द्रव्य, खास करके महिलाएं तो जरूर चढ़ाए, शादीशुदा महिलाएं भी और कुंवारी कन्याएं भी। भगवान हमारा सौभाग्य अखंड रहे। शादीशुदा महिला अगर चढ़ाए सौभाग्य द्रव्य, प्रार्थना करें मेरा सौभाग्य अखंड रहे, मेरे घर में सुत सौभाग्य बना रहे। और कुंवारी कन्या चढ़ाए तो प्रार्थना करे मुझे घर और वर बहुत अच्छा मिले, भगवान मैं सदा सुख शांति और आनंद का जीवन बिताऊं। हल्दी और ये सूखा कुमकुम दोनों एक ही चुटकी भर के गणपति भगवान के ऊपर चढ़ा देंगे। ओम अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम च ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सु ऋद्धि बुद्धि सेचमन महागणपति देवताभ्यो नमः। सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। तत्पश्चात प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। भगवान गणपति को प्रार्थना अर्पण करेंगे। गणपति भगवान इस तरह से हमने आपका पूजन किया, आपकी कृपा से हमारा जीवन निर्विघ्नता पूर्ण हो, हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं सब हट जाए, गुरुदेव की भक्ति बढ़ जाए, भगवान आपके चरणों की भक्ति प्रीति बढ़ जाए, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए, हमारे घर में भी सुख शांति धन धन्य आदि की खूब वृद्धि हो, ऐसी कृपा करना। दोनों हाथ जोड़ के गणपति भगवान को प्रार्थना करेंगे। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकर कलो जलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरम् सकल विघ्नहरम् नमामि। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे
भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्वां विघ्न शत्रुदल नेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वर प्रदेति विद्या प्रदेत्य गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनि त्यमेव। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् वरदत्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफलार्गेण वरदोस्तु सदा मम। विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि सुरनायक कार्यं मे सिद्धिमायातु पूजिते त्वयि धात्री। ओम भूर्भुवस्व हृदि बुद्धि से महा गणपति देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के और अगर हो सके तो जमीन के ऊपर सिर रख के भी भगवान गणपति को सब जने प्रणाम कर लेंगे कि हे गणपति भगवान आप कृपा करके हमारे जीवन में से विघ्न बाधाओं को शमन कर देना। भगवान हमारा जीवन भक्ति भाव से परिपूर्ण हो इस तरह से भगवान को प्रार्थना कर लेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलेंगे बोलिए श्री गजानन जी महाराज की जय। एक साथ जोर से बोलना है गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा गजानन जी महाराज की जय। इस तरह से आज हमारा गणपति पूजन पूर्ण हुआ। ये लक्ष्मी पूजन के निमित्त से गणपति भगवान की पूजा कर ली समझो हमारे जीवन में निर्विघ्नता आ गई। आज हमारा दीपावली का ये शुभ पर्वोत्सव सफल हो गया समझो। अब हम लक्ष्मी माता का आह्वान करेंगे। ये जो सामग्री में आपको सिक्का जो लिखाया है सिक्का कोई भी हो चाहे 5 का हो 1 का हो 2 का हो 10 का हो या अगर घर में चांदी के पड़े तो उसका भी कर सकते हैं और नहीं है तो हाथ जोड़ के भी प्रणाम करें। भगवान हमारे हिंदुओं के भगवान सब मान लेते हैं ये जीव मात्र के भगवान है लेकिन जो सिक्का रखा है उसका हम पूजन करेंगे। फूलों का आसन दे देंगे आपका जो भी पात्र थाली वगैरह है उसमें फूलों का आसन रख के इसमें सिक्का स्थापित करेंगे। अब हमारे लिए सिक्का नहीं है ये सिक्का स्थापित किया अब ये सिक्का नहीं इसमें जगदम्बा लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का आह्वान करेंगे। अब ये साक्षात भगवान की प्रतिमा है ये सुपारी सुपारी नहीं साक्षात भगवान गणपति का रूप है। पूजा पूरी हो जाए फिर ये सुपारी और सिक्का है ना इसको बहुत प्रेम आदर पूर्वक संभाल के अपने घर में रख देना या तो पैसे रखने वाली जगह हो कैश बॉक्स वहां रखना या तो लाल कपड़े में लपेट के पूजा के स्थान में रख देना। कैश बॉक्स में भी लाल कपड़े में लपेट के रखना कोई अपवित्र व्यक्ति मासिक धर्म वाली महिला आदि न छुए इसका ध्यान रखना। अब इस सिक्के के अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का हम आवाहन कर रहे हैं। आज की जो मुख्य पूजा है आज दीपावली की जो लक्ष्मी पूजा जिसका पूरा हिंदू समाज उत्साह पूर्वक जोर शोर से हृदय पूर्वक जिस पूजा की प्रतीक्षा करते हैं जिसका इंतजार करते हैं वो पूजा हमारी लक्ष्मी पूजा। अब तीसरी उंगली आपकी कुमकुम वाली करो या अनामिका उंगली तीसरी उंगली पानी वाली थोड़ी करके कुमकुम में डुबा दी और ये उंगली जो अपनी तीसरी उंगली है अनामिका वो सिक्के के बीचों बीच में स्पर्श करके ऐसा भाव करेंगे कि भगवान लक्ष्मी विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों पधार रहे हैं इस सिक्के के अंदर स्थित हो रहे मंत्रों के द्वारा हम उनका ध्यान और आवाहन कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ के हे जगदम्बा मां लक्ष्मी माता देव मनुष्य दानव और सारे जीव लक्ष्मी की कामना रखते हैं। जीवन में जो कुछ भी सुख आदि दिखता है वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। लक्ष्मी केवल धन का ही नाम नहीं है धन रूपी लक्ष्मी भी है तो विद्या रूपी लक्ष्मी भी है। विद्या को भी लक्ष्मी कहा गया है आत्मविद्या अध्यात्म विद्या। अन्न भी लक्ष्मी है अन्न के बिना जीवन का निर्वाहन नहीं हो सकता। वस्त्र भी लक्ष्मी है समाज में प्रतिष्ठा ये भी एक लक्ष्मी है और घर में सुख शांति रहे सब मिलके रहे ये संप्रूपी भी एक लक्ष्मी है। सभी स्वस्थ रहे ये निरोगता रूपी भी एक लक्ष्मी है। तो आठों प्रकार की लक्ष्मी
अष्ट लक्ष्मी हमारे घर में स्थित रहे। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हे जगदम्बा लक्ष्मी माता आपका आह्वान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक तीसरी उंगली कुमकुम वाली करके सिक्के पर स्पर्श करके रखनी है और हाथ जोड़ के या तो घर के बाकी सदस्य हाथ जोड़ के भी प्रार्थना कर सकते हैं। ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने श्वलक्ष्मी पापात्मनाम क्रत दियाम हृदये शुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ध्यात्वा ध्यानम समर्पयामि। इसके साथ ही भगवान विष्णु का भी आवाहन करेंगे इस सिक्के के अंदर। अकेली लक्ष्मी नहीं, भगवान नारायण के साथ वाली लक्ष्मी हमारे घर में आए, भक्ति के रास्ते चलाने वाली, सत्कर्म के रास्ते पर ले जाने वाली भगवान विष्णु के सहित की लक्ष्मी है। बिना पति के अकेली पत्नी की कोई कीमत नहीं होती। भगवान विष्णु के बिना लक्ष्मी आती भी नहीं है। भगवान नारायण के साथ वाली लक्ष्मी को बुलाने के लिए भगवान विष्णु का भी ध्यान करेंगे दोनों हाथ जोड़ के। ओम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी वीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भव भयहरम सर्वलोकेकनाथम। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ध्यात्वा ध्यानम समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। महाविष्णुवे नमः। ध्यात्वा ध्यानम समर्पयामि। अब भगवान का आवाहन करेंगे, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी आदि का अक्षतों के द्वारा भगवान आप पधारिए और हमारे सिक्के के अंदर अभी सिक्का नहीं है, धातु का सिक्का नहीं, बल्कि साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, इसे साक्षात अपनी प्रतिमा बना लीजिए। भगवान आप सिक्के में भी वास करिए और हमारे हृदय में भी वास करिए, हमें अपने स्वरूप में जगा दीजिए। भगवान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रार्थना करेंगे, आवाहन करेंगे। जगदम्बा लक्ष्मी जी के साथ विष्णु स्वयं ही पधार गए हैं। ओम सर्वलोकस्य जननीम सर्वसौख्य प्रदायिनीम सर्वदेवमयीमीषां देवीमावाहयाम्यहम्। ओम श्री महालक्ष्मे नमः। श्री महाविष्णुवे नमः। आवाहनम समर्पयामि। भगवान को आसन देंगे, फिर से फूलों का आसन, थोड़े से और पुष्प यहाँ से ले लेंगे, फूल की पंखुड़िया और ऐसा भाव करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पुष्पों के दिव्य आसन पर विराजमान हो रहे हैं, भाव करके चढ़ाएंगे। ओम तप्त कांचन वर्णाभम मुक्तामणि विराजितम अमलम कमलम दिव्यम आसनम प्रतिग्रह्यता। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महाविष्णुवे नमः। आसनम समर्पयामि। आसन के ऊपर सिक्का स्थापित कर दिया। अब भगवान को फिर से पाद्य अर्पण करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को ऐसा भाव करके कि भगवान लक्ष्मी नारायण देव पधारे हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आज दीपावली का अत्यंत हर्ष उल्लास का दिवस है और भगवान स्वयं हमारे घर में पधारे हैं, हमारे हृदय में। भगवान हम आपके चरण दुला रहे हैं। हमारा अति सौभाग्य है, एक तो मनुष्य जन्म मिला और दूसरा वो भी भारत भूमि में जन्म मिला, तीसरा उसमें भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमें जन्म मिला जिसमें धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा हो रही है आपकी कृपा से, चौथा भगवान विष्णु स्वयं, भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं सदगुरु के रूप में प्रकट हुए, पूज्य बापू जी के रूप में प्रकट हुए और हमें गुरु रूप में मिल गए। हमारा परम सौभाग्य उन्हीं अनंत स्वरूप भगवान नारायण ने हमारे बापू जी के रूप में साक्षात अवतार लिया है, हमारे बापू जी बन के वो प्रकट हुए हैं और उन्होंने हमें दीक्षा प्रदान की, हमारे हृदय में प्रकट हुए हैं। और दीपावली जैसे पवित्र अवसर पर हम निगुरे लोगों की तरह उछल कूद नहीं कर रहे बल्कि सनातन परंपरा के अनुसार भगवान का पूजन कर पा रहे हैं, भगवान के चरण दुला रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य, भावपूर्वक भगवान के चरण दुलाएंगे। ओम गंगादि तीर्थ संभूतम गंध पुष्पादिभिर्युतम
पद्यम ददाम्यहम देवी ग्रहाणांशु नमोस्तुते। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महाविष्णुवे नमः, पद्यम समर्पयामि। अर्घ्यम, अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के लिए अर्घ्य तैयार करेंगे। एक अचमनी भर के जल ले लिया, चम्मच के अंदर ही कुमकुम का तिलक कर दिया, दो कण चावल के रख दिए, एक दो पंखुड़िया फूल की रख दी चम्मच के अंदर। भगवान आपको दिव्य वेदिक अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं, आप स्वीकार करना। अष्टगंध समायुक्तम स्वर्ण पात्र प्रपूरितम अर्घ्यम ग्रहाण मद्दत्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महाविष्णुवे नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान को दिव्य अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं ऐसा भाव करते हुए चढ़ा देना। दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेंगे। तत्पश्चात आचमनीयम समर्पयामि सर्वलोकस्य या शक्तिर् ब्रह्म विष्णुवादिभिः स्तुता ददाम्याचमनम् तस्य महालक्ष्मे मनोहरम्। ओम श्री महालक्ष्मे नमः, श्री महाविष्णुवे नमः, आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान करा रहे हैं ऐसा भाव करते हुए, तीर्थों के इस पवित्र जल से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को स्नान करा रहे हैं। वरुण देवता जो सारे तीर्थों को लेकर आए इस पवित्र जल से, आज भगवान का अभिषेक कर पा रहे हैं ऐसा भाव करते हुए तीन आचमनी जल डाल के भगवान को स्नान कराएंगे। मंदाकिन्यः समानीतेर् हेमाम्बोरुहवासिते स्नानं कुरुष्व देवेशी सलीलेश्च सुगन्धिभिः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, तीर्थोदक स्नानं समर्पयामि। तीन आचमनी डाल के भगवान को स्नान कराना है, तीन आचमनी चढ़ा दी। अब पंचामृत के द्वारा भगवान का अभिषेक और स्नान करा रहे हम। पहले ही मैंने सामान में आपको दिखा दिया था, सामग्री लिखाई तब भी बता दिया था, दूध दही घी शक्कर और शहद इन पांचों को मिलाकर पंचामृत बना के तैयार रखना। हमारा भी तैयार है, आपका भी तैयार होगा। आज दीपावली का अत्यंत शुभ अवसर है, घर में लक्ष्मी बढ़ाने वाला आज का ये मुख्य अभिषेक। पंचामृत से अपन अभिषेक भी करेंगे, मैं मंत्र बोलूंगा यहाँ से। अगर पंचामृत खत्म होने लगे तो तीर्थों का पवित्र जो जल है वो अंदर आप मिला भी सकते हैं, बीच बीच में अगर खत्म हो जाए मिला देना। भगवान को पंचामृत से अभिषेक करा रहे ऐसा भाव करते हुए, ओम पयोदधिघृतम चैव मधुम च शर्करायुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिग्रहीयताम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महाविष्णुवे नमः, पंचामृत स्नानम अभिषेक स्नानम समर्पयामि। अब मैं अलग अलग मंत्र बोलता जाता हूँ, आप लोग पंचामृत के द्वारा भगवान का अभिषेक चालू रखना। मैं दिव्य स्तोत्र बोल रहा हूँ, वो स्तोत्र जो भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी की आज्ञा से जगत में प्रकट हुआ और भगवान इंद्रदेव ने स्तोत्र के द्वारा जगदम्बा लक्ष्मी जी का स्तवन किया। लक्ष्मी जी जो स्वर्ग से रूठ के चली गई थी दुर्वासा के श्राप के कारण, वो लक्ष्मी भी वापिस लौट के स्वर्ग में आ गई। तीनों लोक लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गए और जगदम्बा लक्ष्मी जी ने वरदान दिया कि भविष्य में भी इस स्तोत्र के पाठ द्वारा जो भी मेरा अभिषेक करेगा, मेरी प्रार्थना या पूजा करे, उसके घर को मैं धन धान्य से संपूर्ण कर दूंगी, भर दूंगी, ऐसा लक्ष्मी जी ने वरदान दिया। आज दीपावली का शुभ अवसर है, हम पंचामृत के द्वारा वही मंत्र में यहाँ से बोलता जा रहा हूँ और आप पंचामृत के द्वारा अभिषेक करते जाना लक्ष्मी जी के ऊपर। चालू कर देना अभिषेक। ओम अथ श्री महालक्ष्म्यष्टकम् ओम इंद्रोवाच ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अद्यंत रहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते, श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकम् स्तोत्रम् य पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिम् अवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठेन्नित्यं महापाप विनाशनम्, द्विकालं यः पठेन्नित्यं धन धान्य समन्वितः, त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रो विनाशनम्। महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम जय जय श्री इंद्र कृतम श्री महालक्ष्म्यष्टकम्। इसके साथ ही भगवान विष्णु का भी अभिषेक करेंगे अपन। बार बार मेरे साथ बोलना, ये संक्षेप में करा रहा हूँ पूजन। पूजन तो भगवान का जितना करो इतना हो सकता है, हजारों साल बीते तो भी खत्म नहीं हो, इतना भगवान का पूजन हमारे वेदों में बनाया हुआ है। लेकिन संक्षेप में जितना आप वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा कर सको, तो भगवान विष्णु के नाम का मेरे साथ बार बार उच्चारण करेंगे और अभिषेक करते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान का बार बार भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है उसके द्वारा हमने बोल के अभिषेक किया। अब कुछ दूसरे मंत्र हैं। आज दीपावली का पवित्र अवसर है, शुभ अवसर, तो हम दूसरे जो खास मंत्र हैं, कई लोग कहते रहते हैं घर में समस्याएं, किसी के शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हैं, किसी की जमीन जायदाद की कोर्ट कचहरी की आदि की तकलीफ है, किसी के पति पत्नी में अनबन है, किसी के घर में रोग ज्यादा है, किसी को कर्जा चढ़ा हुआ है, कि वो सारी तकलीफें दूर हो, इसलिए उनके भी जो दिव्य मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा भी मैं अभिषेक करा रहा हूँ। मैं मंत्र बोलता जाऊंगा, जिसको जो भी तकलीफ है वो उस तकलीफ का जब मैं नाम लो तो उस समय पंचामृत के द्वारा अभिषेक करते जाना, अगर कम पड़े तो और ये गंगा जल अंदर डालते जाना। मैं यहाँ से मंत्र बोलता हूँ, आप अभिषेक करते जाना। अब जिनके सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, घर में कर्जे की बड़ी समस्या, कई लोग कहते हैं खूब कर्जा चढ़ा उतर नहीं पा रहा है, घर में दरिद्रता छाई हुई है, धन की कमाई नहीं हो रही है, या तो हो रही है 100 की कमाई हो रही है और 150 का खर्चा हो रहा है, घर में कुछ बचत नहीं हो रही है, तो वो लोग सब जन अभिषेक करेंगे। जिनके घर में लक्ष्मी की वृद्धि करनी हो, दरिद्रता दूर करनी है, या तो कर्जा है, वो कर्जा नहीं हो वो भी कर सकते हैं, भगवान कृपा करना कभी कर्जा होने भी नहीं देना, तो आप लोग भी अभिषेक कर सकते हैं, चढ़ाओ। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा ओम भूर्भुव सोम अग्नि मूर्धा दिव कुकुत्पत्ति पृथिव्या अयम मम अपाग्गो रेताग्गो सिजिन्वती ओम स्व भुव भुवम स क्रोम क्रीम क्राम ओम भूमाय नमम। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम ओम मंगलाय नमः। अब विवाह के मंत्र द्वारा मैं अभिषेक करवा रहा हूं। पहले कन्याओं को कई लोग अपनी मुसीबत समस्या बताते हैं कि घर में लड़की जवान हो गई है बेटी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह हो भी जाए किसी का, अच्छी जगह अगर घर और वर नहीं मिले तो आनंद नहीं आता। लड़की को योग्य वर मिले, योग्य घर मिले, तो ही गृहस्थ जीवन सुखी होता है। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अब वे कन्याएं अभिषेक करेंगी, मैं मंत्र बोलूंगा। जिन लड़कियों की, केवल लड़कियां, या तो लड़की अगर नहीं कर सक रही, असमर्थ ऐसा है, या तो आपके पास नहीं है, तो फिर माँ बाप लड़की की तरफ से कर सकते हैं। माता पिता या भाई वगैरह जो भी घर के सदस्य हैं वो अपनी
जो कन्या जिसकी शादी नहीं हो पा रही उसकी तरफ से कर सकते हैं, अगर कन्या खुद करे तो और बढ़िया है, ठीक है ना। जिन लड़कियों की शादी में विघ्न आ रहे हैं वो दूसरे, वो महिलाएं भी ये मंत्र जो बोल रहा है उसमें अभिषेक कर सकती है। जो महिलाओं की समस्या पति से अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा खूब होता है, पति कहना नहीं मानते, वो महिलाएं भी ये अभिषेक कर सकती है। ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ अभी, कन्याएं जिनके विवाह में विघ्न आ रहे हैं वो भी करें, और जिनके पति से अनबन है वो महिलाएं भी करें। चालू रखना अभिषेक, आप करना, मैं केवल मंत्र बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो आश्रमवासी, मुझे शादी करनी नहीं है। आप लोग चालू रखना अपना अभिषेक। ओम ओम ह्रीम गौर्रे नमः, अभिषेक चालू रखो, है ना, अभिषेक चालू रखना। ओम ह्रीम गौर्रे नमः, ओम क्रम क्रीम क्रम सा ओम भूर्व सोम अग्नि मूर्धा दिव कृपति पृथिव्यायम पाक गुरेता गो सृजिनवती ओम स्वभूम स क्रम क्रीम क्रम ओम भूमाय नमः, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाय मंगलाय नमः, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम मम उर्वारुकम एव वंदनादीतो मुक्षीय मामुतम, ओम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुवल्लभाम, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। चालू रखो अभिषेक। ओम देवेन्द्राणी नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रिय भामिनी विवाहं भाग्यम आरोग्यम शीघ्रं लाभं च देहि मे, ओम हे माते त्वं शक्तिस्त्वं सदा स्वाहा त्वं सावित्री सरस्वती पतिम देहि ग्रहम देहि सुतां देहि नमोस्तुते। अब गुरुदेव ने जो दिव्य मंत्र दिया है रामचरित मानस का, वो मंत्र मेरे साथ बोलते हुए कन्याएं अभिषेक चालू रखेंगी, पंचामृत से अभिषेक करो। गुरुजी ने जो मंत्र दिया है वो बोलते जाना। ओम जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन षडानन माता जय 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 दामिनी दुति गाता, ओम रिम गोर्रे नमः। अब कन्या वगैरह जो अभिषेक कर रही है, पांच बार अपना गुरु मंत्र मन में बोलकर उसके द्वारा अभिषेक करो। गुरु मंत्र सारस्वत मंत्र जो भी आपने लिया है, अगर दीक्षा नहीं ली हुए तो जिन भी भगवान को आप मानते हो, गणपति शिवजी रामजी कृष्ण जी माँ जगदम्बा जिसको भी आप मानते हो, उनका नाम मन में जप के पांच चम्मच पंचामृत उनके नाम से चढ़ा देना, भगवान हमारी कामना जल्दी पूरी करना। हो गया अभिषेक आपका पांच अचमनी। अब कन्याएं रुक जाएंगी, महिलाएं सब रुक जाओ। अब वो लड़के जिनकी शादी में विघ्न आ रहा है, कई लड़के भी ऐसे हैं समाज में, कई समस्याओं वाले आते हैं पुरुषों में कि उम्र ज्यादा हो रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, या समाज में लड़कियों की कमी है, लड़की अच्छी मिल नहीं पा रही है, कई लोग बेचारे दुखी होते हैं। तो जिन लड़कों की शादी में विघ्न आ रहा है वो अब अभिषेक करेंगे। लड़के लोग पंचामृत ले लेके, मैं यहाँ से मंत्र बोलता हूँ, आप चढ़ाते जाना। मैं तो आश्रमवासी हूँ इसलिए मैं नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे शादी नहीं करनी, आप लोग चढ़ाते जाना। चालू रखना अभिषेक, है ना। लड़के लोग ओम क्राम क्रीम क्रोम स ओम भूर्भुवः स्वम ओम अग्नि मूर्धा दिव कृपति पृथिव्या अयम मम अपागो रेता गो सृजिनवती ओम स्व भुव भुवम स क्रोम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम ओम मंगलाय नमः, ओम श्री कात्यायनी देव्ये 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 नमः, ओम पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ता अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ता अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ता अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ता अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्ता अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। गुरु मंत्र मन में पांच बार बोलकर उससे अभिषेक करा दे लड़के लोग जिनकी शादी ब्याह में विघ्न आ रहे हो, पांच बार गुरु मंत्र मन में जपकर अभिषेक कर ले सिक्के के ऊपर, ठीक है। बस अब जिन लोगों के कोर्ट कचहरी में मुकदमा आदि चल रहा है वो लोग पंचामृत से अभिषेक करेंगे कि भगवान हमें कोर्ट कचहरी की इस खतरनाक मुकदमों से छुट्टी मिल जाए, घर में सुख शांति रहे, ऐसा भाव करके गुरुदेव ने जो दिव्य मंत्र दिया उससे
ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा भाव भी करेंगे हमारे गुरुदेव और नारायण स्वामी, जल्दी बाहर आए भगवान, उस निमित्त से भी हम चढ़ा रहे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ओम श्री हनुमते नमः। जिन लोगों की जमीन जायदाद संबंधी तकलीफ है, कई लोग कहते हैं जमीन पर किसी ने अधिकार कर लिया है, या तो जमीन बिक नहीं पा रही है, या तो मकान आदि बनाने के लिए जमीन मिल नहीं पा रही है, या जमीन कहीं फंसी हुई है, तो ऐसे लोग पंचामृत के द्वारा अभिषेक करेंगे, भगवान हमारी भूमि संबंधी सब दिक्कतें दूर हो जाए, जमीन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाया करके। भगवान की दो पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी देवी और भूदेवी मतलब माँ जगदम्बा, पृथ्वी माता। पृथ्वी माता के लिए आप अभिषेक कर सकते हैं। जिनके मकान वगैरह नहीं है या मकान लेने में मुसीबत आ रही है, मकान ले नहीं पा रहे हैं, वो भी करेंगे, भगवान हमको जल्दी मकान मिल जाए आपकी कृपा से। या किसी की जमीन पर केस चल रहा है, वो भी कर सकते हैं। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनं। पांच बार ओम पं पृथिव्ये नमः, ओम पं पृथिव्ये नमः, ओम पं पृथिव्ये नमः, ओम पं पृथिव्ये नमः, ओम पं पृथिव्ये नमः। अब जिन लोगों के घर में वास्तु संबंधी समस्या है, कई लोग कहते हैं वास्तु दोष है, जिस तरह से वास्तु के हिसाब से मकान बनाना चाहिए था वैसा नहीं बना पाए, और आजकल तो बिल्डर लोग देते हैं बड़े बड़े मकान बना के फ्लैट वगैरह, उसमें वास्तु संभव भी नहीं है। किसी का दरवाजा दक्षिण की ओर है, किसी के ईशान दिशा में कुछ और बना हुआ, पूजा का स्थान ईशान कोण है, वहाँ हो सकता कुछ और चीज़ बनी हुई है। तो इस तरह के वास्तु संबंधी अगर कोई दोष है, तो भगवान आज लक्ष्मी नारायण देव का वास्तु मंत्रों से हम पंचामृत द्वारा अभिषेक कर रहे हैं, हमारे वास्तु संबंधी दोष दूर हो, ऐसा भाव करके वास्तु मंत्रों से मैं मंत्र बोलता हूँ अभिषेक करेंगे। वास्तुदेवा नमस्तुभ्यम भूषय्या निरता प्रभो मद ग्रहे धन धान्यादिम समृद्धिम कुरु सर्वदा। ओम श्री वास्तु पुरुषाय नमः, ओम श्री वास्तु पुरुषाय नमः, ओम श्री वास्तु पुरुषाय नमः। वास्तु पुरुष के रूप में भगवान नारायण ही प्रकट है, सारे वास्तु दोषों को दूर करने वाले भगवान नारायण ही, वास्तुदेव बनके भी वही भगवान नारायण विराजमान है। अब शांति मंत्र से, इससे पहले रुको, स्वास्थ्य मंत्र से भी अपन अभिषेक कर लेंगे, महामृत्युंजय मंत्र बोल के, कि भगवान हम और हमारे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, हमारे गुरुदेव भी सौ परिवार सदा स्वस्थ रहें, और हमारे जितने भी आश्रमवासी हैं वो सब स्वस्थ रहें, हमारे बापूजी के जितने शिष्य हैं सब स्वस्थ रहें, सभी हिंदू स्वस्थ रहें भगवान, ऐसी प्रार्थना करके एक साथ ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात् ओम स्वह भुव भू ओम सह जुम होम ओम ओम सम सदाशिवाय नमः। एक और आचमनी भर के रखेंगे, मैं रोग निवारण का मंत्र बोलूंगा, भगवान ये कोरोना का जो खतरनाक रोग व्याप्त हो गया है वो जल्दी निवृत्त हो जाए, भगवान प्राणी मात्र सब सुखी हो जाए, सब प्राणी इस कोरोना की खतरनाक पीड़ा से मुक्त हो जाए, भगवान सभी जीव सुखी हो, ऐसा भाव करके ओम रोगा नशेषा नपहंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभिष्टान त्वामाशितानाम विपन्नराणाम त्वामाशिता आश्रयताम प्रयान्ति। भगवान हम सब स्वस्थ रहे, ऐसा भाव करके ये हमने अभिषेक कर लिया। अब गुरु मंत्र मन में बोलकर पांच बार बोलकर एक बार और एक चम्मच पंचामृत चढ़ा देंगे। पंचामृत से अभिषेक स्नान हो गया, अब भगवान को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। ये जो सिक्का है वो अंदर से उठा लेना है, उसको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भगवान आपको तीर्थों का जो पवित्र जल है, गंगा यमुना सरस्वती आदि का, उससे स्नान करा रहे हैं। तीन आचमनी जल डालो, या तो ज्यादा भी डाल सकते हो, अच्छा स्नान करा दो। ओम शुद्ध वाल सर्व शुद्ध वाल ओ मणिवाल रुद्रां भोरूपा पर्जन्य ओम शुद्ध वाल सर्व शुद्ध वाल मणिवाल शीताक्षीणस्ता अवलिता रुद्रांग भोरूपा पर्जन्य शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। गंगा जी आदि के पवित्र जल से भगवान आपको स्नान कराया। अब फूलों का दिव्य आसन देके भगवान गणपति की जो सुपारी हमने विराजमान की उनके पास ही भगवान लक्ष्मी नारायण देव को भी हम विराजमान करेंगे। प्रभु आपको भी आसन दे रहे हैं, आप हमारे पास विराजमान रहिए पुष्पों के दिव्य आसन पर। ये जो हमारा आप सिक्का नहीं है, भगवान की साक्षात प्रतिमा है, भगवान विष्णु लक्ष्मी आदि इसमें विराजमान है। भगवान आपकी मूर्ति यहाँ पधरा दी, आप विराजमान रहे। अब भगवान को पंचोपचार पूजन अर्पण कर रहे हैं। सबसे पहले गंध का तिलक करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को जो स्नान कराएं ये पंचामृत तुलसी वगैरह में डाल सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। केवल गणपति वाला जो पानी है वो तुलसी में नहीं डालना है। अब भगवान को पंचोपचार पूजन अर्पण कर रहे हैं। आपको पूरा सामान दिख रहा है यहाँ से? ये कुमकुम है, ये चावल है, ये सब दिख रहा है व्यवस्थित? ये देखो, ये कुमकुम, चावल, हल्दी, मिश्री, कपूर, फूल, ये भगवान को दिव्य पूजन अर्पण कर रहे हैं। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहो पव्येश्रियम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महाविष्णुवे नमः, गंधम समर्पयामि। भगवान को अक्षत भी चढ़ा देंगे। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को साबुत फूल लेके अर्पण करेंगे। साबुत फूल अगर हो तो जैसे गणपति भगवान को अर्घ्य चढ़ाया वैसे ही हाथ में रखकर भगवान आपको फूलों का अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। और भी ज्यादा फूल लेना चाहे तो ले सकते हैं, हमारे पास काफी है। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति कर वीर रसा लपुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दलमा लती भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम् प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री महाविष्णुवे नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, पुष्प अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान को दिव्य पुष्पों का अर्घ्य अर्पण किया, ऐसा भाव करते पुष्प चढ़ा देंगे प्रभु को, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर देंगे। अब जगदम्बा महालक्ष्मी जी को और भगवान विष्णु को हम अगरबत्ती का धूप अर्पण कर रहे हैं। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंध उत्तमम् आग्रेयम् सर्वदेवानाम् धूपोयम् प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महाविष्णुवे नमः, धूपम् आग्रापयामि। भगवान को दिए की आरती दे देंगे आज, दीपों का पर्व दीपावली। भगवान आपके लिए दिव्य दिए, और केवल हम ही नहीं जला रहे, दीपावली का उत्सव तो पूरे ब्रह्मांड में मनाया जाता है भगवान का। जगदम्बा लक्ष्मी जी की हम ही कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो जो ऋषि मुनियों ने सिखाया परिपाटी में आगे बढ़ के थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, बाकी तो इंद्रादि देवताओं ने किए। भगवान ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी की पूजा की है, भगवान शिव जी ने भी की है लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा। भगवान दिव्य दीपकों से आपकी आरती उतार रहे हैं। सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम। ओम चंद्रमा मनसो जात शक्षो सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्रजायत। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महाविष्णुवे नमः, आरार्तिक्यम अर्पयामि दीपम दर्शयामि। अब भगवान को निवेद्य अर्पण करेंगे। भगवान को दिव्य, आपके पास जो भी निवेद्य हो, यहाँ पर मिठाई आदि भी रखी है, वो भी भगवान के लिए, गुरुदेव गणपति जगदम्बा लक्ष्मी जी आदि के लिए है। और सबको सरल पड़े इसलिए मैंने यहाँ मिश्री भी रखी है, आप शक्कर मिश्री जो भी आपके पास हो लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे चढ़ाकर उनको भोग लगाएंगे। भगवान ये अत्यंत पवित्र निवेद्य आप स्वीकार कीजिए, मिठाई आदि भी भगवान आपके लिए। जलेन संप्रोक्ष, एक बार दोनों हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बायां हाथ मुंह के आड़ा रखकर दायां हाथ से भगवान को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भगवान के ऊपर से एक हाथ में जल उतार कर जमीन पर चढ़ा देंगे। मध्ये पानीयम समर्पयामि।
दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और एकाधक जना कोई घंटी बजाना या तो चम्मच से थाली को बजाना। ओम नभ्यासिदंतरिक्षोशिश्नोद्योहोसमवर्तत पद्भ्याम भूम दिशा श्रोत्र तथा लोकाम अकल्पयन्न। आज दीपावली का शुभ अवसर है, भगवान आपको भोग लगा रहे हैं, तरह तरह की मिठाइयां जो भी हो, और मानसिक भोग भी लगा सकते हैं, भगवान आप प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। ओम नित्यानंद करी पराभय करी सौंदर्य रत्न करी निर्दोताखिल लोक पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। फिर से भगवान को बाया हाथ मुंह के आड़ा रखकर दया से भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तीन आसमानी जल जमीन पर डालेंगे या कटोरी में। हस्त प्रक्षालनम स्वर्पयामि, मुख प्रक्षालनम स्वर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। हाथ में थोड़े ज्यादा चावल ले लेंगे और हमारी जो ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, भगवान गणपति और लक्ष्मी जी, इन दोनों के ऊपर गणपति और लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, सब अलग नहीं है, सब एक रूप है। भगवान हम आपका पूजन कर रहे हैं ऐसा भाव करते हुए अक्षत डालेंगे इनके ऊपर। जगदम्बा आपके अलग अलग नामों से हम आपका पूजन कर रहे हैं। ओम चावल के दो दो कण डालते रहना। ओम चपलाये नमः, ओम चंचलाये नमः, ओम कमलाये नमः, ओम कात्यायन्ये नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम विश्ववल्लभाये नमः, ओम कमलवासिन्ये नमः, ओम पद्माननाये नमः, ओम कमलपत्राक्षे नमः, ओम श्रीये नमः, ओम महालक्ष्मे नमः। अब आठ तरह की जो सिद्धियां हैं उनका लक्ष्मी जी का आठों दिशाओं में पूजन करेंगे। जगदम्बा जो आठ दिशाएं हैं हमारी, उन आठों दिशाओं में हम कहीं भी जाएं, जगदम्बा आपकी कृपा से हमें सिद्धि मिले, जिस भी दिशा में जाएं हम सफल होकर लौटे, हमारा काम कभी भी रुके नहीं, माँ आपकी कृपा से। जगदम्बा को चावल चढ़ाते जाएंगे और दिशा में नमस्कार करते जाएंगे। ओम अनिम्ने नमः पूर्वे, या तो पूर्व दिशा की ओर दो कण चावल के चढ़ाने हो या पूर्व दिशा में नमस्कार कर लो। जगदम्बा आपका अनिम्ना नाम का रूप है, उसको नमस्कार करते हैं। फिर ओम महिम्ने नमः अग्नि कोण है, अग्नि कोण में। ओम गरिम्ने नमः दक्षिणे, दक्षिण दिशा में माँ को प्रणाम करेंगे। ओम लगिम्ने नमः नैऋत्य कोण में माँ को प्रणाम करेंगे, जगदम्बा को प्रणाम है। ओम प्राप्ते नमः पश्चिम दिशा में माँ जगदम्बा को प्रणाम करेंगे। ओम प्राकाम्ये नमः वायव्य दिशा में, वायव्य कोने में माँ जगदम्बा को प्रणाम है। ओम ईशिताये नमः उत्तर दिशा में जगदम्बा को प्रणाम है। ओम वशिताये नमः ईशान्याम, ईशान कोण में जगदम्बा को प्रणाम है। हाथ के चावल चारों तरफ बिखेर देंगे जगदम्बा, आठों आठ दिशाओं में आपको नमस्कार करते हैं। एक बार फिर से नमस्कार कर लेंगे। ओम अनिम्ने नमः पूर्वे, ओम महिम्ने नमः अग्निकोणे, ओम गरिम्ने नमः दक्षिणे, ओम लगिम्ने नमः नैऋत्ये, ओम प्राप्ते नमः पश्चिमे, ओम प्राकाम्ये नमः वायव्ये, ओम ईशिताय नमः उत्तरे, ओम वशिताय नमः ईशान्याम। अब आठ तरह की जो लक्ष्मियाँ कही गई हैं जगदम्बा के, मुख्य जो आठ आदि देविक मूर्तियाँ, फिर से बाएँ हाथ में, डाबे हाथ में, उल्टे हाथ में थोड़े चावल ले लेंगे और देवी के ऊपर चावल चढ़ाते हुए माँ जगदम्बा को नमस्कार करेंगे। सबको दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं माँ जगदम्बा के। आज दिवाली के दिन बहुत जगदम्बा के अभिषेक का सौभाग्य मिला हम सबको, हम सबका परम सौभाग्य है। जगदम्बा को चावल चढ़ाते जाएंगे। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, दो दो कण चावल के डालते जाना सिक्के के ऊपर। ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। थोड़े से हाथ में चावल लेकर आठ तरह की जो ये लक्ष्मी आए इनको स्तुति करेंगे, नमस्कार करते जाएंगे, दो दो कण चावल के डालते जाएंगे और एक एक लक्ष्मी जी के नाम के हिसाब से उनको प्रणाम करते जाएंगे। जगदम्बा आपकी कृपा मिले हमें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, आदिकाल से जो लक्ष्मी है हमारी आत्म लक्ष्मी, आत्म वैभव, वो विद्यारूपी लक्ष्मी हमें आत्म
ज्ञान रूपी लक्ष्मी हमें मिले। और आद्य लक्ष्मी यानी शुरू से हमारे पास रहे और हमारी पीढ़ियों पीढ़ी तक लक्ष्मी बनी रहे। दूसरे ओम विद्या लक्ष्मी नमः अर्थात जगदम्बा, लौकिक विद्या भी हमें खूब मिले और आध्यात्मिक विद्या भी हमें खूब मिले। हमारे घर परिवार में सभी लोग आस्तिक और सात्विक बने रहे, ऐसी कृपा करना। तीसरी ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, हमारा और हमारे घर परिवार के लोगों का, हमारे आगे कुल में वंश में आने वाली पीढ़ियों का भी भाग्य सदा बना हुआ रहे, सौभाग्य सदा खुला हुआ रहे, मां ऐसी कृपा करना। ओम अमृत लक्ष्मी नमः, अमृत अर्थात हमारे अंदर और हमारे घर परिवार के लोगों में अमृत का प्रभाव रहे, हम सदा स्वस्थ रहे, कभी बीमार आदि नहीं पड़े, खतरनाक रोग हमारे और हमारे घर परिवार के लोगों के शरीर में कभी नहीं घुसे, मां ऐसी कृपा करना। ओम काम लक्ष्मी नमः, अर्थात हमारी मनोकामनाएं भी सदा पूरी होती रहे और जो गृहस्थी के लिए सबसे जरूरी है वंश आदि वृद्धि के लिए वो काम रूपी लक्ष्मी भी हमें मिले, हम उसमें भी है वो दुर्बल नहीं रहे। ओम सत्य लक्ष्मी नमः, हमारे जीवन में सत्य की अधिकता रहे और मनुष्य जन्म का जो मुख्य लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति, माँ आपकी कृपा से हम निश्चय से प्राप्त कर पाए। फिर ओम भोग लक्ष्मी नमः, माँ भोग भी आपकी कृपा से हमें मिले, सात्विक जो भी देवताओं ने हमारे लिए नियत किए वो भोग हमें अवश्य मिले माँ आपकी कृपा से। भोग अनेक केवल नीचे गिरने की चीज नहीं है, भोग मतलब घर में उत्तम धन होना, नहीं रात दिन धन की चिंता में पड़े रहे क्या होगा मेरा, ऐसा नहीं, माँ आपकी कृपा से हम निश्चिंत होकर जीवन जिए, हम खुले हाथों से दान आदि भी कर सके, पास में धन होगा तो दान करेंगे, तो माँ ये भोग रूपी लक्ष्मी भी हमारे घर में खूब रहे। ओम योग लक्ष्मी नमः, इस सब के बाद योग रूपी लक्ष्मी जो गुरुदेव हमारे हमको योग सिखा रहे हैं, आत्मा परमात्मा का योग, वो जगदम्बा इसी जन्म में योग रूपी लक्ष्मी भी हमें निश्चय ही प्राप्त हो जाए। तत्पश्चात जगदम्बा के ऊपर अब पुरुष भी और खास करके महिलाएं जरूर चढ़ाएं, अब सौभाग्य द्रव्य चढ़ाना है, जैसे सिंदूर मांग में भरते हैं वैसे ही हल्दी लेकर सौभाग्य द्रव्य, एक चुटकी हल्दी एक चुटकी सूखा कुमकुम। ओम अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समर्पितम नाना परिमल द्रव्यम च ग्रहाण परमेश्वरीयम श्री महालक्ष्मी नमः श्री महाविष्णुवे नमः सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि, भगवान आपको सौभाग्य द्रव्य अर्पण किया है, हमारा सौभाग्य सदा खुला हुआ रहे, ऐसी कृपा करना। ओम दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे सौभाग्य के लिए, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः श्री महाविष्णुवे नमः सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। अब हाथ में पुष्प कुमकुम वाले करके पुष्प थोड़े ले लेंगे और अक्षत ले लेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा तो हो गई लेकिन साथ में जब तक सरस्वती माँ की पूजा नहीं करें, गणपति लक्ष्मी और सरस्वती इन तीनों का तो जोड़ा है, जब तक सरस्वती की पूजा नहीं करें तब तक पूजा पूरी नहीं मानी जाती। धन खूब आ गया लेकिन बुद्धि नहीं आई तो क्या काम का धन, वो धन तो डुबाने वाला होता है जिसमें साथ में विद्या नहीं हो। अब माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं, आप हाथ में कुमकुम वाला करके फूल ले लो और अक्षत ले लो, आप अपने हाथ में पकड़ लेना, मेरे को मंत्र बोलना है एक हाथ से इसलिए मैंने ऐसे पकड़ा है, आप हथेली में पकड़ के हाथ ढक भी सकते हैं, ठीक है। माँ जगदम्बा सरस्वती माँ का भी पूजन करेंगे और एक चीज और है, सरस्वती माँ का मैं एक मंत्र बोल के लक्ष्मी जी के सिक्के के ऊपर अर्पण कर देंगे, फिर साथ में अगर हो सके तो आप लोग पेन डायरी वगैरह, व्यापारी लोग तो जानते हैं ना आपका बही चोपड़ा वगैरह जो भी हो, बही खाता है चोपड़ा है या साल भर आप जो हिसाब करते हैं डायरी वगैरह जो भी आपका हो, अगर वो पास में हो तो ले लो, या तो एकादा का डायरी वायरी कुछ पड़ी हो तो लेके रख लो, उसका भी पूजन कर लेंगे। ये पूजन हो जाए और लक्ष्मी पूजन पूरा, इसके बाद आप अपने हाथ से भी घर बना सकते हैं, आपकी डायरी वगैरह जो भी है उसके अंदर अपने हाथ से कुमकुम से स्वस्तिक आदि बना लेना, जो आपका बही खाता वीडिया वगैरह जो भी हो ना व्यापारी लोगों का उसका, या खाते की बुक बाउचर जाओ जो भी बोलते हैं आपकी भाषा में उसको। माँ सरस्वती का पूजन करेंगे, हाथ में चावल आदि लेकर प्रार्थना करेंगे। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर् देवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहाम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यांतकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकां च ददतीं
पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम ओम श्री महासरस्वती नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि गंधाक्ष पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि भगवान गणपति भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती, इन सबको नमस्कार करते हैं। लक्ष्मी सरस्वती माँ का भी आह्वान हो गया, फिर से हाथ में एक दो फूल की पंखुड़िया ले लो, कुमकुम वाली करके एक दो पंखुड़िया हाथ में ले लो और दो कण चावल के ले लो। आज दीपावली का शुभ अवसर है, भगवान कुबेर का पूजन नहीं करें तो पूजा अधूरी मानी जाती है। हे कुबेर जी, भगवान आप देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं के और मनुष्यों के जो भी दिव्य भोग और धन है उन सबको भगवान कुबेर देवता संभालते हैं, उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देव कुबेर। सत्संग में आपने पहले सुना भी होगा, आदरणीय स्वामी सुरेशानंद जी ने बताया भी था कि आप अपना कैश बॉक्स इस तरह से रखें कि दुकान में जब कैश बॉक्स खोलें तो वो उत्तर दिशा की तरफ खोलें। तो उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देव हैं स्वामी भगवान कुबेर। तो जैसे उत्तर की ओर अपना कैश बॉक्स खुलता है तो कुबेर भगवान की दृष्टि अपने कैश बॉक्स में पड़ती है, तो कैश बॉक्स भरा हुआ रहता है, पैसे का गल्ला कैश बॉक्स मतलब, तो वो भगवान कुबेर। आज दीपावली का शुभ अवसर है, हम भगवान कुबेर जी का आह्वान कर रहे हैं, भगवान आप पधारिए और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी गणपति सरस्वती के साथ आप भी हमारे इस श्री विग्रह में आकर विराजमान हो जाइए। भगवान कुबेर जी का आह्वान करते हैं। ओम आवाहयामि देवत्वाम मिहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यत्वं परिरक्षा सुरेश्वरः धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन्त्वत्प्रसादेन धनधान्यादि संपद। ओम कुबेराय नमः गंधाक्ष पुष्पे संपूज्य नमस्करोमि। भगवान कुबेर जी का भी आह्वान कर दिया, उनको भी पुष्प आदि चढ़ा दिया हमने। अब गुरुदेव ने जो दिव्य लक्ष्मी मंत्र बताया उसका हम सत्संग में कई बार गुरुदेव ने बताया उसका 5 बार आप जप कर लेना। अब गुरुदेव ने हमको सबको कई बार जो सत्संग में ऋषि प्रसाद में कई बार जो दिव्य मंत्र छपा है लक्ष्मी गायत्री मंत्र जो गुरुदेव ने बताया उसका अपन सामूहिक रूप से 5 बार जप करेंगे। लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए जगदम्बा हमारे घर परिवार में हमारे हृदय में सदा निवास करना। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्ट लक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और दूसरे भी कई मंत्र गुरुदेव ने कई बार बताए जो ऋषि प्रसाद आदि में छपे हैं, ऋषि दर्शन आदि में भी बताए हुए हैं, तो आप उन मंत्रों को भी जो जो भी आपको याद है उन मंत्रों का जप आज दीपावली का शुभ अवसर है जरूर कर लेना, रात को भी जप करना। ये भगवान की दिव्य गणपति लक्ष्मी जी आदि की जो प्रतिमा है सुपारी सिक्का वगैरह सामने रख के और बैठे बैठे जप करते जाना। अब अपन दीपक जो मालिका है, दीप मालिका इसको बोलते हैं, दीपकों की जो कतार है दीपावली की, आज की जो शोभा है इसका पूजन करेंगे। एक बार आप सब जने यहाँ जो पूजन हो रहा है दीपावली लक्ष्मी पूजन, इस दीप मालिका का भी पूरी तरह से दर्शन कर लीजिए। ठीक वहां से लेकर हमारे आश्रम के गुरुदेव के समर्पित भाइयों ने आप सब भक्तों के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर ये दीप मालिका तैयार की है। दिखाई दे रही है सबको, सब भक्तों को जो देश विदेश में ये वीडियो पूजन का लाभ ले रहे हैं लाखों की संख्या में। हाथ में पुष्प ले लेंगे, कुमकुम वाले करके अक्षत ले लेंगे और इस दीप मालिका का पूजन करेंगे कि हे दीपावली के शोभा स्वरूप दीपकों की माला आपको हम नमस्कार करते हैं। कुमकुम वाले करके पुष्प ले लो, हाथ में चावल ले लो और दीप मालिका को नमस्कार। ओम तम ज्योतिस्तम रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर् दीपावल्ये नमो नमः। ओम दीप मालिकाय नमः। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः। पुष्प चढ़ाकर उनको प्रणाम कर लेंगे। भगवान आज की जो दीप मालिका है, जो ज्वाला मालिन देवी जगदम्बा ज्वाला जी का जो स्वरूप है
माँ जगदम्बा स्वयं ज्वाला माई यहाँ जो विराजमान है दीप मालिका के रूप में, उनको हम सबका नमस्कार है। आज दीपावली का शुभ अवसर है, भगवान आपको प्रणाम। इस तरह से हमारा दीपावली का पवित्र लक्ष्मी पूजन हम सबने गुरुदेव की कृपा से संपन्न किया। अब जो अंतिम सामग्री आपकी जो बची कपूर, उस सामग्री में लिखा है कपूर, उसके द्वारा आरती करनी है, कपूर को प्रज्वलित कर रहे हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात शक्षो सुरजो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखाद्निर्रजायत। भगवान गणपति, भगवान गुरुदेव, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, जगदम्बा सरस्वती माता, कुबेर भगवान आदि सबकी आरती उतारेंगे। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम आरार्तिक्यम अर्पयामि। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से जगदम्बा लक्ष्मी जी आदि की जो भी आरती हो वो अपने घर में कर सकते हैं। हरिओम आरार्तिक्यम अर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नम् तेहनाकं महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्यः संति देवा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः आरार्तिक्यम अर्पयामि। देश विदेश में जो लाखों भक्तों ने इस पवित्र पूजन का सनातन परंपरा में कराए जा रहे इस दिव्य शुभ उल्लास का जो आनंद लिया, इसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और हम सबकी यही शुभकामना है हमारे पूज्य बापूजी जल्दी से जल्दी, हमारे बापूजी और हमारे नारायण स्वामी जी जल्दी बाहर आए, हमको जल्दी हमारे गुरुदेव के दर्शन सत्संग का लाभ मिले। आप सबको दीपावली की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की बधाई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हरिओम।